जी जी भैया भैया जी, 5 दिन की इस मानव मूल्यों को समझने की यात्रा में आज हम अंतिम दिन के पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। परंतु अगर हम इसे ध्यान पूर्वक देखें तो ये एक शुरुआत है जो हम सभी को मदद करेगी स्वयं में, परिवार में, समाज में, प्रकृति में समझ के जीने में। तो समाधान मुझ में है, समाधान आवश्यक है और समाधान समझ के जीने में है। इस बात के साथ अब हम आप सभी की 5 दिन की यात्रा को सुनना चाहेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपने जो उपलब्धि आप सबके सामने रखेंगे उसे संक्षिप्त रूप से रखें। तो इस क्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर दिनेश कश्यप जी को। सर, आपको माइक अवेलेबल है। जी राघविन भैया, इसमें मैं अभी ये भी ऐड करना चाहूंगा कि हम लोग सभी को सुनना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी रैंडमली हम लोग कुछ नाम्स को पुकारेंगे और ये सेशन हम लोग आगे भी आफ्टरनून सेशन में भी कंटिन्यू रखेंगे। जी धन्यवाद। जी राघविन भैया प्लीज। जी जी भैया, बिल्कुल सही बात है भैया। तो अभी हम रेंडमली कुछ नाम बुलाते जाएंगे और उन्हें सुनेंगे, और बाकी शेष जो है वो फिर हमारा जो दोपहर का सेशन है 3 से 4:30 उसमें सुनेंगे। जी जी भैया, तो सबसे पहले अनुरोध करना चाहूंगा मैं डॉक्टर दिनेश कश्यप जी से। जी जी सर, नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते। सर, मेरा नाम आपने बता ही दिया है। सर, मैं एक संस्था है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ पर मैं शिक्षक भी हूँ और साथ में ट्रेनिंग का भी काम करता हूँ। अपने से जो साथी लोग हैं उनको समझाना, खुद भी समझना, आपस में हम लोग मिलके जिले स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी अपने समय समय पर काम करते रहते हैं। सर, यूएचवी का नाम जो हमने पहली बार सुना तो मन में यही आया था कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का है, और पहला जो प्रोग्राम हुआ था और उसमें मैं शामिल नहीं हो पाया था किसी कारण से, योग वगैरह करवाने के चक्कर में। तो यहाँ से अभी जो उपलब्धि हमको ये मिला तो तुरंत हमने जो है इसको रजिस्टर करवाया, और इससे हमें उपलब्धि ये मिली कि एक तो हमारे कॉन्सेप्ट जो थे अंदर जो एक चलता है कि एक कहीं ना कहीं कुछ जो अभी बताया कि शून्य में कुछ चीज है जो हमें मतलब धुंधली दिख रही है, तो वो स्पष्ट तो पूरी तरह से नहीं हो पाई है, लेकिन संकेत जरूर मिला है कि हाँ कुछ ऐसी चीज है जो अभी हमारे योगाचार्य हैं सर जी, उन्होंने बताया ग्वालियर के कि ध्यान से, योग से और दूसरी तरीके से पाया जा सकता है, परंतु प्रैक्टिकल करने के लिए यही फील्ड है। मतलब ये जो हमारा मैं, मेरा शरीर, परिवार, समाज और मानव, पूरे मानव समाज जो है हमारा, तो ये पूरा परिवार जो है यहीं पर हमें प्रैक्टिकल करना है, मतलब यहीं पर सब कुछ इसमें देखना है, इसका फाइनल यही है, ये समझ में आया सर हमको। लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या होगी प्रैक्टिकल, उसको तो सर जब तक कोई कैंप नहीं लगता है, जैसे सत्संग लगाते हैं ना संत लोग लगाते हैं, ऐसा कोई प्रैक्टिकल कैंप जब तक नहीं लगे जिसमें हम उस चीज को अलग अलग, जैसे गुरु जी बांट देते हैं कि भाई तुम जाओ लकड़ी ले आओ, तुम शाम तुम जाके ये काम कराओ, तुम ये करके आओ, शाम को चर्चा करो, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बन के अगर 10 एक दिन का कोई कैंप लगे, भले 10 लोगों का लगे, 20 लोगों का लगे, लेकिन लगे तो वो सर वास्तव में उपलब्धि वो होगी सर, और वो उससे फिर कुछ दूसरों से संबंध बनाने लायक होंगे। अभी तो हम खुद ही अधूरे हैं सर, तो हम कहीं कचरा कर देंगे, जैसे अभी बीच बीच में कई लोगों ने बोला आपने इतनी बातें, मैंने ही बोली, लेकिन हम आपने हमारी बातें बातों को दुरुस्त किया, क्योंकि हम अधूरे हैं और हम समझ नहीं पाते उस चीज, तो वो थोड़ा सा 10 दिन का अगर कैंप लगेगा तो हमें उपलब्धि कुछ हासिल होगी। हाँ, ये है कि उपलब्धि की तरफ संकेत हो गया है कि हाँ यात्रा इस तरह से चलनी है, तो ये हो गया। और संभावना में ये बात, संभावना वाली भी बात यही मैंने कही कि इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो यही संभावना है कि हम, चूंकि मैं समाज से जुड़ा हूँ, डायरेक्ट मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में था, वहां से मैं रोता रहता था, वहां से मुझे ईश्वर ने जो 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 जॉब चाहिए था, जॉब सर्टिफिकेट मिला, मुझे मतलब मनुष्यों के बीच रह के काम करने का मौका मिला, तो ये संभावना ये है कि मैं मनुष्यों के बीच में हूँ, मेरे जैसे लोग हैं, छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे और बड़े बच्चे और बड़े बच्चे, मतलब सभी प्रकार के, सभी एज के लोग हमारे मेरे संपर्क में हैं, और कई संस्थाओं से संबंधित हूँ और फुर्सत में भी हूँ। फुर्सत से मेरा मतलब ये है कि बहुत ज्यादा दायित्व नहीं, परमात्मा कृपा से समझ इतनी विकसित हुई है कि सिर्फ दायित्व को पूरा करना है, उसमें उलझना नहीं है, तो इसलिए संभावना तो काफी कुछ है। अगर मेरा सदुपयोग लिया जाएगा तो मैं पूरी तरह से तैयार रहूंगा सर, आनंद संस्थान के लिए भी, आपकी तरफ भी मैं आऊंगा और कुछ सीखूंगा। बस यही इसलिए बार बार कहता हूँ कि 10 दिन का कैंप और गुरु जी जैसा, और फिर हमको काम दिया जाए
और फिर हम उसको करके लाएं, फिर उसके बाद में उसकी जांच की जाए कि हाँ तुम, अब तुम सही हो, अभी कच्चे हो, तुम पक्के हो रहे हो, ऐसा तो उपलब्धि मालूम पड़ेगी सर। और मेरी निष्ठा जो लिखी हुई थी में निष्ठा और मेरी आगे की योजना, तो आगे की योजना भी मैं इनडायरेक्ट रूप से ही बता ही रहा हूँ कि ये करना है। तो सबसे बड़ी चीज आपने बोला था कि विद्यालयों में 10,000 लोग एक साथ संपर्क में आए, तो उसके लिए अगर मुझे आप वॉलंटियर रूप में चुनना चाहेंगे सर, तो मैं बिल्कुल, भले आप राजस्व संस्थान से भी आप मेरा नाम दे सकते हैं, मैं खुद बोलूंगा तो उनको लगेगा कोई इंटरेस्ट होगा इनका। हालांकि ऐसा नहीं है, समझदार है सब लोग, इसलिए इतने बड़े बड़े कार्यक्रम करवा रहे हैं, लेकिन मुझे अगर आदेशित किया जाएगा, मैं चूंकि गवर्नमेंट से संबंधित हूँ, तो मुझे एक छोटा सा 2 लाइन का पत्र मिल जाए, भाई आपकी सेवाएं 24 घंटे के लिए इस काम के लिए ली जाती हैं, तो मुझे तो 8 घंटे का वेतन मिलना है, लेकिन मैं 24 घंटे उस काम को करने के लिए तत्पर हूँ, और मुझे भले TADA ना दिया जाए, वेतन जो मिलता रहे वो मिलता रहे, क्योंकि रोजी रोटी पेट पालने और परिवार को कुछ या हमारी आवश्यकताओं के लिए तो जरूरी है। तो इस प्रकार से मेरी निष्ठा है और आगे की योजना में पूरा सहयोग करने के लिए तत्पर हूँ सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। जी जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और जी जी आपकी बात बिल्कुल रिकॉर्ड की गई है। और जी अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती सुषमा दास जी को। नमस्ते जी सर। नमस्ते सर, धन्यवाद आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया। मैंने जो आपकी पूरी वर्कशॉप में अपना जो समय दिया है, वो मुझे ऐसा लगा कि ये वर्कशॉप मुझे काफी पहले मिलनी थी, और इतना लंबा समय सुनकर मैं पहले बड़ी चिंतित थी कि मैं इतने घंटे कैसे बैठ पाऊंगी, पर जब पहले दिन आप जुड़ी तो वो इतना रोचक और इतना ज्ञानवर्धक था कि मुझे बस ऐसा लगा कि ये तो खत्म ही ना हो। तो सर आपने इतनी ज्ञानवर्धक बातें पूरे कार्यशाला में मुझे बताई है, और जिन चीजों को मैं समझने की काफी समय से कोशिश कर रही थी, वो चीजें आप मतलब इस वर्कशॉप के थ्रू मुझे समझ आई। मैं क्या हूँ, शरीर क्या है, इन चीजों में मैं उलझी रहती थी, सैकड़ों किताबें वीडियो उधर उधर देखती थी, पर जो इतना क्लियर आप कर पाए वो मतलब बिल्कुल मेरे लिए बहुत वंदनीय है। मैं मतलब मेरे और शरीर के बीच की उसको बहुत अच्छे से, संबंध को अच्छे से समझ पाई, मैं क्या हूँ ये समझ पाई, स्वयं में सजगता ला पा रही हूँ, और मैं अपनी इच्छा और अपने विचार और आशा के प्रति अब सजग होती हुई हूँ इस कार्यशाला से, खुद का मूल्यांकन कर पा रही हूँ अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर। मैं वास्तव में क्या बनना चाहती हूँ सहज स्वीकृति के आधार पर, यह भी मुझे अब समझ में आ रहा है। तो और परिवार में मैं किस तरह से स्वस्तित्व का भाव बना पाऊंगी, विश्वास और प्रेम और सम्मान लेकर आ पाऊंगी, यह भी मुझे आपकी कार्यशाला से बहुत क्लियर हुआ है। अभी तक भी मेरे प्रयास यही सब थे, पर अब उन प्रयासों में क्लियरिटी आ गई है कि मुझे इस तरह से करना है, खुद को किस तरह से सहज स्वीकृति के आधार पर सजग बनाना है, खुद के भावों को किस तरह से परिष्कृत करना है, यह मुझे आपकी कार्यशाला से समझ में आया है। समाज के तौर पर यदि मैं देखूं तो समाज में समाधान, आपके ने जो 4 पॉइंट बताए हैं, समाधान, समृद्धि, अभय और सहस्तित्व, इन चारों को मैं बहुत अच्छी तरह से समझकर अपने कार्यों में और शामिल करना चाहूंगी, अपने विचारों में शामिल करना चाहूंगी, और उसी तरह से मैं एक समाज के निर्माण में भी अपना योगदान देना चाहूंगी। मैं अपने स्तर पर सबको कैसे क्लियर कर पाती हूँ, पहले मैं खुद सही समझूं और आगे इस पर कार्य करना चाहूंगी। प्रकृति के लिए तो वैसे भी मैं काफी सजग हूँ, परस्पर पूरकता का भाव जो आपने उसको एक सभी चीजों को आपने एक नए तरीके से नए नाम से मुझे समझाया है कि मेरे लिए वो सब नए नाम है, और मुझे वो नाम बिल्कुल उनके लिए सही तरह से परिभाषित करते हुए लग रहे हैं। तो परस्पर पूरकता से मैं प्रकृति को किस तरह से दोहन करने से बचा सकती हूँ, प्रकृति को प्रदूषित होने से बचा सकती हूँ, यह मैंने बहुत सारी बातों में भी समझा है, मैं बहुत सारी कोशिश करती भी आ रही हूँ और आगे भी करती रहूंगी। मेरा योगदान बहुत अपने स्तर पर काफी है, जो अभी ये समय छोटा पड़ जाएगा यदि उसमें बताने गई तो, पर मैं आपके उसमें वो सर्वे वर्कशॉप में बहुत सारा लिख पाऊंगी। मेरे विचारों में जो मैं परिवर्तन देख पा रही हूँ, वो मुझे यही लग रहा है कि एक मानव के रूप में मैं बहुत सजग हो गई हूँ, मतलब मैं के रूप में मैं सजग ज्यादा हो रही हूँ, शरीर की तो बात है ही सही, साथ में मैं के रूप में मैं सजग हुई हूँ। इन मूल्यों को मैं सार्वभौमिक रूप से कैसे कर पाऊंगी एक राष्ट्र के निर्माण में या एक देश विश्व के निर्माण में, उसके उस पर भी मैं आगे कार्य करना चाहूंगी। अपने विचारों में मैं जो परिवर्तन पा रही हूँ उससे मैं खुद तो सुखी हो रही हूँ, मेरे आनंद में भी वृद्धि हुई है, और मैं इसी तरह की सुख और आनंद की निरंतरता मेरे पूरे परिवार और पूरे समाज में फैलाना चाहूंगी। हर चीज में परिवर्तन आया है, मैं रिश्तों को एक नए सिरे से देख रही हूँ, रिश्ते मेरे जो मधुर नहीं थे उनके पीछे के कारण मुझे अब समझ में आ गए हैं,
मैं खुद अपने भावों को, आपने जितने प्रश्नों के इस शिविर में जवाब दिए, कि मुझे समझ में आया कि मेरे भाव परिवर्तित हो जाते हैं यदि सामने वाला परिवर्तित नहीं होता है। तो एक बहुत बड़ा कारण मुझे समझ में आया कि मैं फिर उनको उपेक्षित करने लगती हूँ। सामने वाला यदि नहीं सुधर रहा है, जैसे मेरे एक परिचित है, मैं उनको कोशिश कर रही थी कि वो थोड़े से संबंध खराब चल के मैं सुधार पाऊँ, तो जब वो नहीं सुधर पाए मेरे काफी प्रयासों के बाद, तो मेरे मन में उनके लिए उपेक्षा का भाव आया, दुख का भाव भी था कि ये क्यों नहीं समझ पा रहे। तो वो सब अब इस शिविर के बाद समाप्त हुए। मैं सारे संबंधों को बहुत अच्छे से अब गहराई से फिर जांचूंगी और उनको फिर से परखूंगी कि मेरे भाव में परिवर्तन नहीं हो और मैं उनमें सुधार ला पाऊँ और मधुर संबंध मेरे जीवन के सुख का आधार होंगे, बिल्कुल तय है। UHU की विषय वस्तु और प्रक्रिया से मैं क्या संभावना देखती हूँ कि जिस तरह से मैं अपने आप को परिवर्तित कर पाई अपने व्यक्तिगत स्तर पर, यदि ये चीज सभी को मिल पाती है तो मेरा परिवार हो, मेरी संस्था हो, या समाज के स्तर पर, या प्रकृति के स्तर पर, सभी स्तरों पर यदि मैं समझती हूँ कि जो जो चीज़ आज मैं समझ रही हूँ, यदि मैं सबको समझा पाती हूँ, या UHU की विषय वस्तु का थोड़ा सा भी अंश यदि मैं किसी के पास, किसी को समझा पाई, किसी को दे पाई, तो इन सभी स्तरों पर बहुत दूसरों की गहरी समझ यदि मैं बना पाई तो थोड़ा सा योगदान मेरा भी होगा एक अच्छे समाज के और एक अच्छे देश के निर्माण में, ऐसा मैं देखती हूँ। संभावना तो बहुत है, जब मैं अपने आप को बदल पा रही हूँ तो सभी बदल पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। UHV की कार्य में मेरी निष्ठा और आगे की योजना, ऐसा लग तो रहा है कि मैं शायद आप कुछ मतलब सहयोग कर पाऊँ, नीति के स्तर पर भी, क्रियान्वयन के स्तर पर भी। मेरी कोई संस्था खुद की नहीं है, पर हाँ मेरे समाज में और मेरे आसपास मेरे जो परिचित लोग हैं उनमें मैं यदि इस चीज को बढ़ा पाई तो मैं उसके लिए भी आपको पोस्ट सर्वे वर्कशॉप में लिखूंगी। बढ़ाने की पूरी इच्छा है और कोशिश भी रहेगी। मेरा संक्षिप्त परिचय यह है कि मैं सुषमा दास हूँ, इंदौर में हूँ, होमवर्कर हूँ और मेरी दोनों बेटियां हैं और जो दोनों की शादी हो चुकी है और एक छोटी डॉक्टर है। ये मेरा संक्षिप्त परिचय है सर। और कुछ यदि मैं नहीं बोल पाई तो मैं आपको पोस्ट सर्वे में लिख दूंगी। मेरे में सिर्फ एक कमी है सर कि मैं उस पर अब काम करूंगी कि मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है बोलने का, काफी सालों से बोलने का कहीं काम नहीं पड़ा, तो अभी पिछले एक साल से मैं IOIC से जुड़ी हुई हूँ। थोड़ा सा ट्रेनिंग उनके ट्रेनर्स के साथ में मैं भी अब ट्रेनिंग देने का काम करती हूँ, पर कॉन्फिडेंस लेवल मेरा थोड़ा सा कम है जो इस वर्कशॉप के बाद में बढ़ा है और बढ़ाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें दिमाग में आ रही है पर मैं बोलने में थोड़ा सा कम हूँ, तो मैं कोशिश जरूर करूंगी सर, शायद अगली वर्कशॉप में अच्छे से बोलता हूँ। धन्यवाद सर। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपका मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण रहा जी। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती उषा व्यास जी को। नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया, मैं उषा व्यास दमोह से टीचर हूँ हायर सेकेंडरी स्कूल में 9th-12th। तो सर मैंने ये दूसरी कार्यशाला ज्वाइन की है आपकी, और यहाँ मुझे मेरी दृष्टि जो थी अभी कई बातों में बिल्कुल ऊपर ऊपर सोचती थी, किताबें भी पढ़ लेती थी, ज्ञान भी हर जगह से हासिल कर लेती, पर इतनी गहराई से चिंतन करने का कभी सोचा नहीं। और कृतज्ञता का भाव जो जीवन में है, क्या हम आप दोनों की प्रशंसा है जो आपके लिए किया गया है। और कई लोग हमारे जीवन में आते हैं और हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, परंतु उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं गया, हम उनके प्रति कभी कृतज्ञ हुए ही नहीं, और ये निरंतर भाव नहीं हुआ कभी, जो यहाँ से सीखा मैंने। और विश्वास, श्रद्धा, सम्मान, गौरव, ये मानव की मूल चाहना, निरंतर सुख, और उस सुख को हम मात्र भौतिक सुख सुविधाओं से ही आकलन करते थे, और श्रेष्ठता मतलब हमने जो सीख लिया उसी को श्रेष्ठ समझ, वास्तव में श्रेष्ठता व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना ही श्रेष्ठता है, ये हमने यहाँ से सीखा, और उसी से हम निरंतर सुख की प्राप्ति कर पाते हैं। और ये चीजें मैंने पहली बार यहाँ से प्राप्त की, प्रेम, प्रेम में दया, कृपा, करुणा। तो मैं थोड़ी सी कृपा पे अटकी हुई हूँ, प्रेम ही ये मतलब देखते थे कि प्रेम है तो अखंड समाज की नींव ये हमने पढ़ा है, परंतु इतनी गहराई से आपने बताया दया, कृपा, करुणा,
किस तरह से हम ये भाव आते हैं, इसको बहुत अच्छे से आप लोगों ने पूर्णता में रति, पूर्णता में रत होना, एक हर एक के साथ संबंध में निहित होना, संबंध की स्वीकृति के भाव का आरंभ मानव के दूसरे भाव से संबंध होने के भाव तक फैलता है, और ये एक अनेक हर एक को संबंधी के रूप में स्वीकारना, मतलब संबंध में जीना ही सुख का की निरंतर यानी संगीतमय व्यवस्था में जीना है। तो ये चीजें जैसे किसी भी जांच, हम अपने स्वयं को जांच लेते थे और अपने को ही श्रेष्ठ समझने लगते थे कि यही श्रेष्ठता है, जो हम कर रहे हैं वही ठीक है, हम दूसरे के नजरिए से कभी देखते ही नहीं थे, बस दूसरे को देखते ये थे कि उनमें क्या कमी है। अभी वास्तव में मैं ये सोच रही हूँ कि पहले क्यों नहीं जुड़ी UHB से, इतनी पैनी परख और मतलब पैनी नजर और इतनी गहराई से जीना पहले आ जाता। शिक्षा संस्कार में, शिक्षा में सही समझ विकसित, वास्तव में जो किताबी ज्ञान है वो किताब पढ़ के डिग्री हासिल करके हम सोचने लगते हैं हम बहुत पढ़े लिखे हैं, वास्तव में वो शिक्षा नहीं है। हमें यहाँ ये समझ विकसित हुई है, शिक्षा सही समझ को विकसित करना है, सही समझ और जिस सुविधाओं को भी भौतिक सुख सुविधाओं को हम सुविधा समझ लेते, संस्कार सही जीने में के लिए निष्ठा, तैयारी, कौशल से जीना, ये चीजें बहुत बहुत ज्यादा मेरे मुझे क्लियर हुई है। सही समझ क्या है, सही भाव, समृद्धि अर्थात बहुत से सुविधा की आवश्यकता की पहचान आवश्यकता से अधिक, ये हम मात्र भौतिक सुख सुविधाओं को ही समृद्धि समझते थे, वास्तव में समृद्ध होना क्या है ये यहाँ से जाना, मूल्य, बड़ी व्यवस्था में भागीदारी, इसी तरह इच्छाएं, विचार, आशा, वास्तव में स्वयं में व्यवस्था में ये भागीदार, वास्तव में ये यदि अच्छी एक सही दिशा में कार्य करते हैं तो ये हमारी स्वयं में व्यवस्था में भागीदारी होती है, हमारा जीवन सक्सेस इन चीजों से। परिवार में हाँ, आपका क्या रोल है समाज में, परिवार, ये जो अभी आपने बताया, तो ये हम स्वयं को जानने की तरफ बढ़े हैं और कि हमारा वास्तव में जो हम रोल निभा पा रहे हैं वो ईमानदारी से निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं, और हम सही समझ का भाव, अब कुछ भी करती हूँ तो जिस पांच पहले दिन से यही भाव मेरे दिन भर चलता है कि यदि किसी के बारे में या कुछ भी काम करती हूँ तो मैं बस अपने आप को मैं जांचती रहती हूँ अभी 24 घंटे इस कार्यशाला के दौरान कि मैं सोच रही हूँ तो क्या सही समझ है ये मेरी, तो ये चीजें वास्तव में, और इस पर टिके रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं शिक्षिका हूँ और ये मैं वास्तव में मैं ये चाहती हूँ कि ये मैं अपने स्कूल स्तर पर इन चीजों को बढ़ाऊं, क्योंकि यदि बच्चों में, क्योंकि बच्चे ही हमारा कल है, और यदि ये चीजें बच्चों के नेचर में आ गई या बच्चों की शिक्षा में आ गई, संस्कारों में शामिल हो गई, तो हमारा कल बहुत कुछ मतलब बहुत ही आनंदमय हो सकता है। तो ये शिक्षा के स्तर पर ये बहुत आवश्यक है, और मेरे परिवर्तन तो मैं बता चुकी हूँ, UHB के विषय वस्तु प्रक्रिया में यही संभावना देखती हूँ कि मैं अपने स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, परिवार में और समाज में, और जहाँ मैं संस्था स्कूल स्तर पर मैं इस कार्यक्रम को बहुत आगे बढ़ाना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि प्रशिक्षित किया जाए ऐसे कुछ शिक्षकों को जो अपने स्तर पर इस चीज को आगे ले जाए, और वो मतलब एक शासन की, जैसा कि सर लोगों ने अभी कहा कि शासन के द्वारा ऐसा कोई लेटर हो जिससे कुछ सिलेक्टेड लोगों को सिलेक्ट करके उनको प्रशिक्षण दिया जाए और इन चीज वो स्थानीय स्तर पर इन चीजों को शामिल करें, जैसे जेल में भी कर सकते हैं क्योंकि इतने सारे लोग अपराध करते हैं, यदि उनमें सही समझ या ये चीजें आ जाती हैं तो अपराध भी कम हो जाएंगे। तो जैसे कि राजानंद संस्थान के सेशन होते हैं, हर जगह होते हैं, पंचायत स्तर पर भी होते हैं और जेल में भी होते हैं, तो इन चीजों ये चीजें वहां भी यदि जाएं तो बहुत कुछ परिवर्तन और अच्छा समाज हमारे सामने प्रस्तुत हो सकता है। UHB में मेरी निष्ठा बहुत है, मतलब मेरी नजर ही बदल गई है, इतना कुछ यहाँ पर सीखा है, और अभी भी मैं चाहती हूँ कि महीने में एक एक जरूर हो, ये जैसे 12वें जैसे 52वें हफ्ते में एक हफ्ता बोला है आपने, ये भी ठीक है,
बट यदि महीने में एक हो जाए ये तो हम लोगों का जो है ना वो और गहरा होता जाएगा सीखने का, और वो चीज और बैठती जाएगी हमारे अंदर, मतलब वो बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि अभी हम इनको सारे नोट किए हुए हैं, और हालांकि आपने वीडियो दिए है वो वीडियो भी समय समय पर देखते रहे, शायद मेरा समय ज्यादा हो गया है। थैंक यू सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना अच्छा हम लोगों को नजरिया दिया, मेरी नजर और मेरा आनंद बढ़ गया है आप लोगों से जुड़ के, थैंक यू सर। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, और सभी से अनुरोध है कि थोड़ा संक्षिप्त रहे तो हम सभी को सुन पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा सुन पाएंगे। जी दीदी, बहुत बढ़िया मूल्यांकन था आपका दीदी, धन्यवाद दीदी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जेपी आनंद जी को। हेलो सर। जी जी, नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्कार, सभी को नमस्कार। सबसे पहले सबको बहुत बहुत आभार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा सुंदर और इतना परिष्कृत आयोजन हुआ है। मैं पहले अपना नाम बताना चाहूंगा, मेरा नाम जेपी आनंद है, मैं भोपाल से हूँ, और ये उपलब्धि के बारे में कहना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम से वास्तव में नई नई बातें सीखने मिली, जैसे प्रस्ताव है जड़ चेतना, बहुत बारीकी सीखा और समझा भी। और मैं उपलब्धि ये है कि मैं इसे ज्यादा बोलता था, अब मैं कम बोलूंगा, जितना आवश्यक है उतना ही बोलूंगा, क्योंकि उसमें क्या ये जब मैं बोल रहा हूँ वो किसी के लिए प्रस्ताव भी है, अब उस प्रस्ताव को उसको उसको विश्लेषण करने में सुविधा रहेगी। और मैं अपने स्तर पर यदि कोई चीज़ अच्छी लगती है उसको सही भाव से अच्छे ढंग से प्रशंसा भी करूँगा, ताकि इससे खुशी मुझे भी आई है, सामने वाले की खुशी मिलेगी। ये मेरा ये है माध्यम से मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि, या ऐसा मैं करने का देख पाता हूँ। दूसरा है विषय वस्तु और प्रक्रिया से क्या संभावना देखता हूँ, तो मैंने अपने व्यक्तिगत स्तर पर अपने आप को बहुत सुधार की संभावना अपने आप में देखता हूँ, जैसे किसी का बुरा नहीं मानना, हमेशा किसी का सहयोग करना, किसी को मार्गदर्शन देना, और मैं अधिक परिष्कृत होना चाहता हूँ, हो भी जाऊँगा। और परिवार के समय ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे, तो मैं चाहूँगा विचार विमर्श करके परिवार को भी समय दिया जाए, क्योंकि वो भी हमारे मेरा मेरे समाज का मेरे परिवार का हिस्सा है। और जहाँ तक इसकी निष्ठा की बात है, तो ये भी मुझे बहुत प्रभावी लगा, इससे ही मैं सीखा कि मेरे सामने जो भी कोई योजना है, कोई भी प्रस्ताव कुछ आएंगे, तो मैं मानव के दृष्टि के साथ साथ प्रकृति के संरक्षण के बारे में भी जरूर सोचूंगा, क्योंकि मैं भी सोचता हूँ, कम सोचता हूँ, कभी ज़्यादा सोचता हूँ, लेकिन हमेशा नहीं सोच पाता प्रकृति में जो के संरक्षण के लिए, या प्रकृति का जो दोहन हो रहा है, इसको नए सिरे से के बारे में सोचूंगा। और जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी कार्यक्रम, जितनी योजनाएं चल रही हैं, उसमें भागीदारी करके इसको एक संगठित रूप में इसको हमेशा के लिए करें, क्योंकि ये वास्तव में बहुत आगे जाके हमको बहुत दुखदायी होने वाला है, क्योंकि हमको प्रकृति से जो लाभ मिल रहे हैं वो अगली पीढ़ी को नहीं मिल पाएंगे, इसके लिए अभी नहीं रोक पाए। और इसी क्रम में मैंने समाज के स्तर पर एक छोटी सी संस्था, छोटा सा ग्रुप मैंने खुद ने तैयार किया है, वो काफ़ी साल से चल रहा है, उसका नाम मैंने रखा है रुक जाना नहीं, हैप्पीनेस लेवल का एक छोटा सा ग्रुप है, वो काफ़ी सक्सेसफुल है, काफ़ी लोग उसमें जुड़े हैं, वो सब ऐसे जो लोग हैं जो सुख शांति या अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं या रहना चाहते हैं, तो उनको ऐसे लोग मिल जाते हैं और मिल भी गए हैं, और वो स्वास्थ्य के लिए भी है और मानसिक सुधार के लिए भी है, तो उससे जुड़े भी हैं और उससे अच्छा भी चल रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है उनको मार्गदर्शन करने में, और सबको जुड़े उनको भी अच्छा लग रहा है। उसका नाम मैंने रखा रुक जाना नहीं। जहाँ तक सवाल है पूरे कार्यक्रम का, तो इतना बड़ा कार्यक्रम था, इतने 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 घंटे, करीब 30 घंटे हमने इसको अच्छे से सुना है, इतने सारे रिफ्लेक्शन, इतने सारे क्विज, इतनी सारे PPT, बहुत सारा इसको एक मैंने एक छोटे से रूप में, मैं क्योंकि तो इसको याद रखना भी एक वो है कि आगे चल के इसको कैसे याद रखा जाए, कैसे इसको सीख जाए, मैंने छोटा सा एक तो इसके लिए विचार बनाया है, क्योंकि इसमें अपन ने लगभग संबंध में 9 भाव सीखे अपन ने, 9 भाव, उसमें से कोर भाव जो है वो है समझो प्रेम है, अन्याय है, विश्वास है, इन बारे के बारे में मैंने सोचा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, पहली बात प्रेम सबसे करो, प्रेम मतलब मुझसे भी करो, दूसरे से भी करो, प्रकृति से भी करो, जो काम आपको बोले सही प्रेम, पहली लाइन है प्रेम सबसे करो। दूसरा है अन्याय किसी के साथ मत करो, कई कई मौके आएंगे, अन्याय की परिभाषा बहुत विकसित है मेरे उसमें, मैं किसी को बुरा नहीं करना, किसी को क्षति नहीं पहुंचे, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, तो अन्याय किसी के साथ ना करें। और जहाँ तक विश्वास का सवाल है, वो मेरी धारणा है विश्वास कुछ पर ही करो, क्योंकि मैंने बीच में
अच्छा, हमें सुना के कई लोगों के संबंध अच्छे हैं, किसी बॉस से प्रॉब्लम हो गई, कुछ ऐसा कुछ हो गया, किसी मित्रता में प्रॉब्लम हो गई, तो संबंधों में दरार आ गया, तो फिर आप उसको विश्वास कुछ पर करें, ऐसा ऐसा मान्यता लेके चलेंगे तो शायद ये हमारे जो यात्रा है वो सुखद पूर्ण रहेगी। और एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा, इतना सुंदर कार्यक्रम, इतना वेल डिजाइन, इतनी संकल्पना मैं अपने जीवन में उतारूंगा, मैं अपने समाज में भी ले जाने की कोशिश करूंगा, ताकि हम सब लोग आगे अच्छी दिशा, एक सुंदर दिशा की ओर बढ़ सके। धन्यवाद जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और बहुत ही बढ़िया। जी जी, अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती तृप्ति शर्मा जी को। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, स्वागत है। सर आई कार्यशाला बहुत अच्छी रही। मैं तृप्ति शर्मा ग्वालियर से, मैं प्राथमिक शिक्षक हूँ, प्राइमरी टीचर। छोटे छोटे बच्चे मेरे संपर्क में रहते हैं। मैं सर काफी कुछ मैं इसी तरीके की थी कि संग्रह की इच्छा मेरे में नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था, लेकिन मैं सोचती थी जैसे कभी कभी दूसरे लोग भी उसी तरीके के हों, लेकिन वो इतना आसान नहीं होता है कि दूसरे लोग भी उस तरीके के हो जाएं, या कभी कभी दूसरों को देख के मुझे ये लगता था कि सब दूसरों का देखो कि दूसरों की तरफ आकर्षित तो ज्यादा हो रहे हैं मेरी अपेक्षा। जैसे फ्रेंड सर्कल में गए, मैं सिंपल ऐसे ही चली गई अपने जॉब से या कुछ भी, तो वो सब मुझे टोकते थे, तुम ना, तुमको कल से ऐसा करना है, तुमको घर जाकर तुम पहले तैयार होकर तब आओगी, तुम ऐसा करो, मतलब तो मुझे कहीं ना कहीं अपने आप में लगता था कि नहीं मैं गड़बड़। लेकिन इस कार्यशाला के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं मैं अपनी जगह पर ठीक हूँ, और मैंने अपनी बेटी को भी इस लायक बनाया कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, खड़ी हो जाए, और समय ईश्वर की कृपा से वो जॉब में आ गई, जॉब में है, मतलब कॉलेज छोड़ने से पहले उसे कैंपस सिलेक्शन मिल गया और एक अच्छे जॉब में है। तो शायद मैंने जो संग्रह नहीं किया या दूसरों के लिए अच्छा सोचा, शायद ईश्वर ने मेरे लिए ये मेरे ऊपर कृपा की, मैं आभारी हूँ। लेकिन कभी कभी मन में ऐसा लगता था शायद मैं गलत कर रही हूँ, दूसरे लोग सब ऐसा कर रहे हैं, पर अब लग रहा है नहीं नहीं ठीक है, थोड़े से सुधार और बाकी है मेरे अंदर, उन्हें और करना है। जी धन्यवाद। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और आगे बढ़ते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मनीष कुमार सोनी जी को। भैया नमस्ते, आपके पास माइक है। जी सर नमस्कार, मैं मनीष कुमार सोनी कटनी से बोल रहा हूँ। सर मैं सर ईपीएस हायर सेकेंडरी स्कूल खरखरी में प्राइमरी क्लास पढ़ाता हूँ और एक शिक्षक के रूप में काम करता हूँ। जैसे कोई दरिद्र व्यक्ति सरोवर में नहाने के लिए मतलब इस भाव से जाता है कि मुझे नहाना है, और अचानक उसको कोई रत्न मिल जाए तो वो तब नहीं समझ पाता है कि इस रत्न की क्या वैल्यू है। इतना तो समझता है कि ये बहुत वैल्यूबल है, पर कितनी है ये अभी मैं नहीं समझ पा रहा। बिल्कुल मेरा हाल वैसे। मैं अनीता जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इसका लिंक भेजा, और जब मैं इससे जुड़ रहा था तो मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि क्या है यूएचबी है क्या। और जैसे जैसे दिन गुजरते गए तो पहला दिन तो मुझे बहुत खराब लगा, मुझे लगा मैं कहां फंस गया। दूसरा दिन कुछ ठीक रहा, और उसके बाद लगातार दिन बेहतर होते। इस दौरान सर कई जानकारियां मुझे मिली, वो जानकारियां ऐसा नहीं कि ये पहली बार मैंने इनके बारे में सुना, ये तो बहुत पहले से थी। और जिस तरह के लोग बातें कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं कि लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ममता करुणा ये सब चीजें पहले से थी और जानकारी भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये सुस्त अवस्था थी, आपने उन सबको जागृत कर दिया। तो जानकारी भी बढ़ी है सर और जागरूकता भी बढ़ी है इन सत्रों के दौरान मेरी।
मेरे विचार से सर मैं जो परिवर्तन देख पा रहा हूँ, तो क्योंकि मैं प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ और सबसे ज्यादा तो मुझे खुद में अभी सुधार करने की जरूरत है। सारी कमियां, सारे तकलीफें मुझे अपने भीतर दिख रहे हैं और जब मैं ठीक होऊंगा तभी सारी चीजें मेरे आसपास की ठीक होने की शुरुआत होगी। मैं अभी से यही नहीं कह सकता कि मैं अपने एरिया में ये करूंगा कि वो करूंगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है सर जो मुझे इस सेशन के दौरान समझ में आई कि हम बातें चाहे जितनी करें लेकिन अगर पारदर्शिता नहीं है तो हमारी बातों का कोई मतलब नहीं। हम जो कह रहे हैं अगर हम वो नहीं करते तो सिर्फ वो बातों तक ही सीमित रह जाता है। तो मैं करने की बात कर रहा हूँ, मैं निश्चित रूप से अपने अंदर बहुत सुधार करने वाला हूँ। जो चीजें मैंने पॉइंट आउट की है उनको मैंने लिखा है, आपके द्वारा दी गई एक एक बात को मैंने यहाँ डायरी में नोट किया है। ये मेरा पहला था, मैं आगे भी इसको जारी रखूंगा और जब भी मुझे कोई लिंक मिलेगी तो मैं फिर इसको समझने की कोशिश करूंगा क्योंकि अभी मेरी समझ बहुत कम है और मुझे अभी बहुत जरूरत है। अभी मैं तैयार नहीं हूँ सर इस तरह के सेशन को पूरी तरह समझने के लिए और मुझे बहुत जरूरी है कि मुझे इस पर कम से कम 2 से 3 सेशन करने होंगे तब मैं चीजों को समझ पाऊंगा और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मुझे अवसर दिया। थैंक यू सो मच सर। जी जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर RC उपाध्याय जी को। जी, आपके पास माइक अवेलेबल है। जी सभी को नमस्कार। मैं आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है जी, थोड़ी सी अगर आपकी। हाँ हाँ, अब ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है, अभी ठीक है। तो मैं RC उपाध्याय सतना में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में एक शिक्षक प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ और लगभग 25 वर्षों से इस कार्य को कर रहा हूँ और प्रशिक्षण देना मूल रूप से मेरा कार्य है। और जैसा कि मैंने एक दिन अपने फीडबैक में कहा भी था कि यहाँ रह करके सीखने का अवसर बहुत कम मिलता है, सीखने की प्रक्रिया सिखाने की प्रक्रिया में ही ज़्यादा शामिल रहते हैं। तो इन 5 दिनों की कार्यशाला में जो मुझे मूल रूप से मिला, एक तो स्वयं को समझने का अवसर मिला, दूसरा परिवार को समझने का आधार मिला और समाज को, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात प्रकृति को समझने के लिए जो एक विशेष अवसर और विजन मिला, ये मेरे लिए बड़ा अमूल्य है। और निश्चित रूप से इसके लिए मैं पूरे टीम का आभारी हूँ। जो उसमें दूसरी बात कही गई कि मेरे विचार में जो परिवर्तन आया है, तो मेरे विचारों में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया है वो ये है कि अभी तक मैं आदेश और निर्देश इन दोनों के आसपास ज़्यादा रहता था और अब मैं प्रस्ताव के जरिए सारी बातों को आगे बढ़ाने पर बड़ी एक विश्वास के साथ अग्रसर हो सकूंगा। ये एक मैंने अपने अंदर जो सबसे बड़ा परिवर्तन पाया है वो इस 5 दिन की समग्र चर्चा का निचोड़ में कह सकता हूँ कि ये मेरे अंदर परिवर्तन है जो शायद मुझे सुखद अनुभूति भी दे रहा है। और सुबह भी मैंने अपने फीडबैक में ये कहा था कि इसको मैंने कल इम्प्लीमेंट भी करके देखा और कल के मेरे 1.5 घंटे के एक शक्ति संवाद के कार्यक्रम में 1.5 से 3 जो मैंने किया था, लोगों ने इस बात को कहा कि आपके संप्रेषण के तरीके में कुछ बदलाव है। मैं इस बदलाव को और अधिक करने की दिशा में आपके इन सारे वीडियोस को और बार बार देख करके कर पाऊंगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। के बाद का अगला बिंदु आपका है विषय वस्तु और प्रक्रिया में क्या संभावना देखता हूँ। तो निश्चित रूप से परिवार, समाज, प्रकृति तीनों से जुड़ने के लिए आपकी विषय वस्तु और प्रक्रिया दोनों में ही
अपार संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। और मेरा तो ये मानना है कि इन वीडियोस को मैं जितनी बार आगे देखूंगा कुछ न कुछ नई संभावनाएं नए द्वार खुलेंगे और मैं उसका उपयोग करते हुए अपने सोच कार्य और व्यवहार तीनों को कहीं और परिमार्जित कर पाऊंगा। मेरी निष्ठा और मेरी आगे की योजना, तो आगे की निष्ठा की जहां तक बात है तो निश्चित रूप से मैं लंबे समय से आपके प्रोग्रामों से जुड़ना चाह रहा था। मैं ये समझना चाह रहा था कि आखिर ये आनंदम के अंतर्गत ऐसा क्या कराया जा रहा है जो हम नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और एक लंबे समय से जुड़ने की लिए प्रयासरत रहने के बाद जब मैं जुड़ पाया हूँ तो निश्चित रूप से मुझे ये महसूस हो रहा है कि मैं कहीं कुछ एक गैप था, कुछ खो रहा था जिसको पाने की दिशा में बढ़ा हूँ। और जब भी अवसर मिलेगा मैं आपके यूएचबी और आनंदन की गतिविधियों से जुड़कर सीखने और यदि अवसर मिला तो सिखाने के लिए भी हमेशा तत्पर और प्रस्तुत रहूंगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया शिक्षक प्रशिक्षक होने के नाते सिखाना मेरे नियमित कार्य का हिस्सा है। तो मैं आपके साथ भी जुड़ करके सिखाने के लिए हमेशा प्रस्तुत रहूंगा, जिले स्तर पर या जिले के नीचे भी जा करके अवसर मिला तो मैं इसको सिखाने के लिए प्रस्तुत रहूंगा। और अपने स्तर पर हमारे जो आगे शिक्षक प्रशिक्षण होंगे उनमें भी इसकी बहुत सारी बातों को मैं बड़े सहज और एक आवश्यकता आधारित विषय वस्तु के साथ उसको समाविष्ट कर पाऊंगा। यहाँ तक कि डीएड कर रहे बच्चों को भी मैं समय समय पर इससे संबंधित बातें कहीं ना कहीं बताते हुए उनको भी इससे जोड़ सकूंगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं तो मैं संक्षेप में यही कहूंगा कि एक अच्छा सीखने का अवसर मिला और इससे सीखी हुई सभी बातों को मैं आश्वासन देना चाहूंगा कि मैं जहां भी जिस भी प्लेटफॉर्म पर मुझे समय मिलेगा मैं उसको पूरा पूरा लागू करूंगा। आपके वीडियोस को मैं लगातार देखते हुए अभी और इन बातों को गहराई से समझने और अपने को परिष्कृत करने का प्रयास करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी धन्यवाद भैया। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर विनीता कुलश्रेष्ठ जी को। नमस्ते, आपके पास माइक अवेलेबल है। हेलो। जी जी नमस्कार। जी जी नमस्कार सर। सर थोड़ा परिचय मैं अपना पहले ही दे चुकी थी। मैं डॉक्टर विनीता कुलश्रेष्ठ हूँ और गवर्नमेंट पीजी कॉलेज मंदसौर में प्रोफेसर हूँ। मेरे पास में बच्चों के साथ में जुड़ने के लिए युवा उत्सव है जिसकी मैं मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेटर हूँ। और साथ ही मैं वर्ल्ड बैंक की योजना से भी जुड़ी हूँ जो कि महाविद्यालय को समृद्ध करने के लिए जरूरी है और उसमें मेरा महत्तम रोल होता है। तो इन सब रूप में तो मैं यहाँ पर जुड़ी हुई थी। और इसके अतिरिक्त मैं छोटे छोटे कार्यक्रमों में जहाँ बाहर कहीं होता है बच्चों के बीच में रहना मैं पसंद करती हूँ, इसलिए मैं छोटे कार्यक्रमों में प्रशिक्षणों में भी जाती हूँ और उन्हें सिखाने की कोशिश करती हूँ। तो ये मेरा परिचय हुआ। रही बात उपलब्धि, तो उपलब्धि तो मैं कुछ अपनी उपलब्धियां तो मैं बता चुकी हूँ कि मुझे सबसे बड़ी बात जो मुझे यहाँ मिली कि एक आनंद की प्राप्ति जो होना थी और एक मेरे आनंद के स्वरूप का परिवर्तन हुआ है। मैं आनंद जिस चीज को मानती थी मुझे पता चला कि ये इतना छोटा रूप नहीं है, ये बहुत बृहद रूप है। इसके अंदर न मैं न मेरा परिवार और न मेरा मतलब घर, इसके अतिरिक्त समाज और मेरे आसपास के लोग भी शामिल हैं और उसे मैं किस प्रकार से शामिल कर पाऊंगी ये मैंने सीखा। इसके अतिरिक्त मेरे अंतर्गत कई सारे भाव थे जो कि स्वाभाविक रूप से मैं जीती रही, देखती रही और उनका आनंद उठाती रही, लेकिन मैं उनके बारे में जानती नहीं थी, उन भावों को स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाती थी। तो यहाँ इस कार्यक्रम में आने के पश्चात मुझे उन भावों को अलग से पहचान कर, उन्हें विशेष रूप से पहचान कर आगे बढ़ाने का मौका मिला। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात मैं इसमें सर ये कहूंगी
कि मैं अपने जो भाव है, अपने जो जीवन मूल्य है, उनके आधार पर अभी तक अपना जीवन व्यतीत करती रही और मुझे सफलता भी मिली, मुझे समाज में और अपने परिवार में उसके लिए एक सम्मान भी मिला। लेकिन अपने मूल्यों को जब मैंने यहाँ पर देखा तो मुझे उसके प्रति दृढ़ता महसूस हुई, मुझे लगा कि मेरे मूल्य काफी सही हैं और मैं इन्हें आगे अपने साथ में ले जा सकती हूँ और इसे मतलब परिवार के अतिरिक्त अपने संपर्क में आने वालों के साथ भी मतलब उनको बांट सकती हूँ। क्योंकि सर मेरा शुरू से मानना यह था कि शिक्षा अपने चरित्र व्यवहार और अनुभव से दी जाती है और वो मैं अपने परिवार में करती आई, मैंने अपने आसपास के लोगों में भी किया ऐसा, लेकिन अब उसे और वृहद स्तर पे आगे बढ़ाने का मैं कार्य इसमें मतलब मनस्थिति में आ रही हूँ कि मैं वो कर सकती हूँ आगे जाके। तो ये सारा सर मेरा इसमें उपलब्धियां रही। भावी योजना के रूप में और निष्ठा के रूप में, तो स्वाभाविक रूप से जब आप किसी चीज से जुड़ते हैं उससे आनंद पाते हैं और उसमें आप समर्पण इसलिए होता है क्योंकि आप उसको अपने साथ जोड़ के अपने हित में, समाज के हित में देखते जाते हैं तो आपका समर्पण उस चीज के लिए बढ़ता जाता है। सो मेरी वही स्थिति है। समर्पण के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि जिस स्तर पर, चाहे वो विद्यार्थियों के स्तर पे हो, चाहे वो मेरे परिवार के या समाज के स्तर पे हो, या और कोई स्तर जो मैं अभी शायद नहीं समझ पा रही हूँ, मैं हर स्तर पे उसको आगे बढ़ने में और सीखने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। अगर ऐसा कभी मुझे मौका मिलता है तो मैं अवश्य करूंगी। ट्रेनिंग और अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण, क्योंकि मैं बच्चों से जुड़ी हुई हूँ तो उन्हें अक्सर देती रहती हूँ, तो अब यह चीज जो मैंने आनंदम से सीखी थी तो थोड़े थोड़े स्तर पे तो मैं बच्चों को पहुंचाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन अब इसको मैं दूसरे मतलब जो अभी मैं महसूस कर रही हूँ उस लेवल तक भी जोड़ने की कोशिश करूंगी। पहले तो सीधी सी बात ये सर कि समय के थोड़े से कम होने के कारण मैं इस जो वर्कशॉप थी उसको पूरी तरह से जी नहीं पाई, मतलब ये होगा कि 80% तक तो मैंने उसको जिया है, समझा है, कोशिश की है, लेकिन अभी भी 20% बाकी है। तो मेरी ऐसी उम्मीद है कि अगली वाली जब मैं वर्कशॉप करूंगी तो शायद मैं पूरी तरह से इसके लिए तैयार हो जाऊंगी। तो यही सब मेरी भावना है और इतना अच्छा वर्कशॉप करवाने के लिए मैं राज्य आनंद संस्थान को और UHV टीम को बधाई भी देती हूँ, हार्दिक धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। जी धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब थोड़ा समय हो चला है आज की कार्यशाला में मौजूद सभी राज्य आनंद संस्थान के अधिकारी गण, सार्वभौमिक मानव मूल्य से जुड़े सभी अधिकारी गणों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अब हम थोड़ा सुनना चाहेंगे राज आनंद संस्थान के पदाधिकारियों को, उनके अनुभवों को, और देख पूछना चाहेंगे कि इस कार्यशाला का जो है वो क्या मूल्यांकन, क्या अनुभव देख पा रहे हैं और प्रतिभागियों से क्या अपेक्षा रख पा रहे हैं। इस सिलसिले में मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर अखिलेश अर्गल जी को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी राज्य आनंद संस्थान मध्य प्रदेश से। नमस्कार सर, सर स्वागत है आपका। हाँ धन्यवाद भैया, मैं अभी शायद हमारा कार्यक्रम अभी लंच के बाद भी चलेगा तो मैं अपनी पूरी बात वहां पर रखूंगा। यहां पर मैं अभी मात्र अपना स्वयं का अनुभव रखना चाहूंगा। निश्चित तौर पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा हमारे सभी साथियों के लिए और साथ ही मेरे लिए भी। इससे मेरी जो समझ है, स्वयं की जो समझ है, उसमें भी थोड़ी थोड़ी और क्लैरिटी आई है, थोड़ी और गहराई आई है। साथ ही हमारे जो कार्यक्रम थे उसमें अभी तक शायद हमारे अस्तित्व को उतना महत्व नहीं था। हम परिवार की बात करते थे, समाज की बात करते थे, अपनी बात करते थे, तो शायद हमें अब अस्तित्व को, प्रकृति को भी जोड़ने की अपने कार्यक्रमों में एक दिशा मिली है। और इस कार्यक्रम का एक और हमारे जो साथी लोग हैं, एक नया विजन भी उसको मिला है कि हम इसको आगे किस तरीके से ले जा सकते हैं। यद्यपि हमारी शुरू में भी कल्पना है कि हम हर गांव में इस तरीके के 2-3 लोगों को तैयार कर सकें जो कि
एक समझ के साथ, एक आनंद के साथ, सुख के साथ जी रहे हों, जिससे कि अपने आप यह कार्यक्रम फैले। पहले हम मेरी समझ थी कि शायद बहुत ज्यादा लोगों के साथ इस कार्यक्रम को नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस समझ में भी अब मेरा शायद बदलाव हुआ है इस 5 दिन के कार्यक्रम के साथ, कि हम अधिक लोगों के साथ भी इस कार्यक्रम को कर सकते हैं। बस हमें माध्यम ढूंढना होगा, साधन ढूंढना होगा, क्योंकि गाँव में कनेक्टिविटी की कमी रहती है। तो क्या हम विकास खंड स्तर पर, जहाँ हमारे ऑडियो वीडियो फैसिलिटी अवेलेबल है, क्या वहाँ पर उनको ला करके जब कोरोना संक्रमण पूर्ण हो जाता है तो क्या हम इस कार्यक्रम को कर सकते हैं। धन्यवाद भैया। जी जी, जो था वो उत्साहवर्धक और प्रेरणादायक संबोधन रहा। जी जी, आपका धन्यवाद सर। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री इंद्रपाल सिंह जी को, निर्देशक राज्य आनंद संस्थान मध्य प्रदेश से। नमस्ते सर, स्वागत है। निसंदेह राज आनंद संस्थान बहुत धन्यवाद देना चाहता है UHU टीम को कि उन्होंने पूरे मनोयोग से इस कार्यशाला को आयोजित किया। हालांकि मैं इसको पहले भी अटेंड कर चुका था और उसके बाद मुझे लगता था कि शायद इतनी जल्दी आप लोगों के लिए इसको करना कठिन होगा, फिर भी आपकी टीम ने, आपके फैसिलिटेटर्स ने इस कार्यशाला को इतने शीघ्रता के साथ में और इतने अच्छे तरीके से और हमारे लगभग 150 पार्टिसिपेंट्स के साथ इस कार्यशाला को किया। निसंदेह इससे मध्य प्रदेश में एक बड़ा नेटवर्क बनेगा और राज आनंद संस्थान की गतिविधियां जैसे कि पूरे 52 जिलों में चल रही है। अब इस फीडबैक के साथ, इस नई सोच के साथ, इस नए विचार के साथ राज आनंद संस्थान अपने कार्यक्रम में निश्चित रूप से कुछ बदलाव करेगा और हम एक टीम, ऐसे लोग जो अभी जैसा कि सभी लोग अपनी बात को शेयर कर रहे थे, हमारे पास में ये डेडिकेटेड और समर्पित टीम रहेगी। तो मुझे लगता है कि इन मूल्यों को, इस सही समझ की बात को और जो बहुत सारे लॉजिकल जो हमारी एक व्यवस्था है उसके माध्यम से हम बहुत सारे लोगों को छू पाएंगे और हम लोग सभी चारों स्तरों पर एक बेहतर काम करने की भूमिका राज आनंद संस्थान शीघ्र तय करेगा और इसको आगे ले जाने के लिए हम लोग निरंतर अपने साथियों के साथ चर्चा करेंगे और हमारे कार्यप्रणाली अधिकारी भी इस बात को लेकर के काफी उत्सुक हैं। हम निश्चित रूप से इसकी कार्य योजना बना करके इन चीजों को आगे लेकर के जाएंगे, ऐसा तो हम निश्चित रूप से आश्वस्त करते हैं। ये कार्यशाला हमारे सबके लिए, हमारे सभी साथियों के लिए बेहद बेहद उपयोगी रही है। सब लोग अपना फीडबैक दे चुके हैं, इसलिए उन बिंदुओं पर जाके बात करने का मुझे नहीं लगता कि अब कोई उचित है। समय सभी के लिए महत्वपूर्ण है, पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये कार्यशाला हम लोगों को इन कार्यक्रमों को आगे ले जाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए, गांव गांव तक ले जाने के लिए हमारे लिए बहुत उपयोगी रही है और हमारे पास है इस टीम का निर्माण हुआ है और टीम के माध्यम से हम इन कार्यक्रमों को बहुत शीघ्र ही आगे लेकर के जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी बहुत 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 धन्यवाद सर आपका। और हमारे बीच में अब मौजूद हैं आज राजुल अस्थाना जी, मेंबर NCCIP। तो मैं भैया से अनुरोध करूंगा, तो भैया भी थोड़ी बात रखें। भैया नमस्ते, भैया स्वागत है। नमस्ते सभी को, अर्गल जी को, इंद्रपाल जी को, सभी को नमस्ते। आवाज आ रही है? जी भैया, बिल्कुल भैया। जी जी जी। तो आप लोगों का मूल्यांकन सुन करके हम लोग को ये कॉन्फिडेंस और बढ़ रहा है कि इस काम को ऑनलाइन मीडियम से भी किया जा सकता है। अधिक लोगों के साथ हम लोग ने जो ट्राई किया उसकी पुष्टि हो रही है और हम लोग जो व्यक्तिगत हमको समझ में आया है और हमने उसको वेरीफाई किया है उसको विशेष तौर पर सुनना चाहेंगे। क्या संभावना है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे में क्या हमको समझ में आया है वो मुख्य बात है, उसको हम लोग ज़रूर सुनना चाहेंगे, जो कि इससे पहले बहुत सारे लोगों ने अपना शेयरिंग में ज़रूर रखा है।
और आगे भी ऐसा रखेंगे, ऐसा विश्वास है। और दोपहर वाले सेशन में हमारे सुमानी जी भी उपलब्ध रहेंगे और आगे की जो कार्य योजना बनाने का काम है वो आप लोग मतलब मूल्यांकन के सत्र के बाद में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक सॉर्ट ऑफ सजेशन भी है कि जो लोगों ने पिछली बार वर्कशॉप किया था उन लोगों के साथ भी एक छोटा सा कार्यक्रम अगर रखा जाए मूल्यांकन का राज्य आनंद संस्थान के लोगों के साथ में तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो इतनी बात के साथ में बाकी सभी को शुभकामनाएं और दोपहर में फिर से जुड़ने का हम लोग का मन बन रहा है। तो सभी को, सभी लोग अपना लंच बढ़िया से लें और सभी लोग जुड़े। एक बड़ा परिवार दिखाई दे रहा है जो बात करते हैं उसका एक तरह से एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। तो दोपहर में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को नमस्ते। जी जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके उत्साह और प्रेरणा स्वरूप शब्दों के लिए। और अभी कुछ समय है तो कुछ और प्रतिभागियों को हम सुनना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। तो इसी सिलसिले में मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा शैलेंद्र सिंह डाबी जी को। नमस्ते सर, आपको माइक अवेलेबल है जी? श्री शैलेंद्र सिंह डाबी जी। सर जी नमस्कार। जी नमस्ते सर, हमारा सौभाग्य है कि हमें बहुत राज आनंद संस्थान और यूनिफ ने बहुत अच्छा अवसर प्रदान किया। वाकई में ये हमारे जीवन के लिए और हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे ऑफिस के लिए, जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ के लिए मेरे व्यक्तिगत रूप से बहुत उपयोगी कार्यशाला रही। मैंने सर इसमें ये समझा, मैं और मेरे शरीर के बारे में मैं पहले समझ नहीं पा रहा था सर, मैं उसके बारे में समझा। सहज स्वीकृति और मान्यताओं के बारे में मैं बहुत कंफ्यूजन था, तो वो मुझे कंफ्यूजन क्लियर हुए। मेरे अंदर जो बदलाव आए, पहले मैं बहुत सारी बातों को एक पक्षी रूप से समझता था, यानी कि जो मुझे समझ है या जो मैं बोलता हूँ या मैं जो करता हूँ या मैंने जो अच्छा देखा है समझा है उसी बात को मैं समझ के उस बात को सही मानता था। पर इस कार्यशाला से मुझे वास्तविक रूप से मुझे जो दूसरों के भाव और इंटेंशंस होते हैं, जो परिस्थिति होते हैं और वो जिस तरह से जो निर्णय लेते हैं उस परिस्थिति को मैं समझने की कोशिश किया मुझे, और मुझे वो समझ आया कि वो ऐसी स्थिति ना समझ या समझ की कमी की वजह से तो मेरा जो व्यवहार जो चेंज होता था उनके प्रति, जो मुझसे व्यवहार करते थे उस व्यवहार से मैं क्षमाशीलता में अंदर उपस्थित हुई और मैं उनको और बेहतर तरीके से समझ के में सक्षम हुआ। तो ये मेरे लिए बहुत अद्भुत बात है कि मैं द्विपक्षीय रूप में समझ के मेरे जो संबंध है वो संबंध खराब ना हो, मुझे उसे जनरेट करने को, मुझे संभालने का मौका और अवसर और चित्र मुझे दिया। बहुत सारी जैसे एक इकाई से लगा के तो शून्य तक की जो इस परिचर्चा हुई इस कार्यशाला में वो बहुत महत्वपूर्ण हुई और मैं बहुत लाभान्वित हुआ और मैं प्रयास करूँगा अपने जीवन में इसको लागू करने का और मेरे परिवार में और जहाँ भी मुझे अवसर मिलेगा इन भावों को, इन समझ को प्रसारित करने का मैं पूरी कोशिश करूँगा। अगर राज आनंद संस्थान हमें कोई अवसर देता है तो मैं निश्चित रूप से पूरे प्रदेश स्तर में जहाँ पे भी कार्य करने का मौका अवसर उपलब्ध होगा मैं उस पर कार्यरत करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी आप राज आनंद संस्थान और यूनिट टीम को, बहुत अद्भुत कार्यशाला, एकदम समाज को परिवर्तित करने वाली और एक पॉजिटिव मानव रूपी लोगों को तैयार करने वाली, जैसे कि इसका नाम है यूनिवर्सल सार्वभौमिक मानवीय मूल्य। वाकई में सभी आनंद इसी में निहित, अगर हम खुद को इस अपने जीवन में इन चीजों को उतार पाए, हमारे परिवार में इनको कन्वर्ट कर पाए तो आनंद कंपलसरी है, आना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं अपने इन विचारों के साथ में आप सभी को धन्यवाद। जी जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री कृष्ण राव खालदेव जी को। जी नमस्ते। नमस्कार सर जी, नमस्कार। 5 दिवसीय प्रशिक्षण बड़ा सुख और आनंद का विषय रहा। सभी
मूल्यों पर समग्र चर्चा करना, तो उसके लिए तो काफी लंबा समय लगेगा, परंतु हमें सबसे ज्यादा आवश्यक है कि हम अपना स्वमूल्यांकन करें, आत्ममूल्यांकन करें और उन सारे तथ्यों को विधिवत जांचे परचे, जो हमारी समझ को विकसित करने में आवश्यक है। निश्चित रूप से किसी के प्रति सहमति, फिर उसके बाद समर्पण, उसके सहज अनुभूति को ग्रहण करना, इन सारी चीजों के लिए पहले अपने आप में परिवर्तन करना बहुत जरूरी होता है। वास्तव में जब हम किसी के प्रति संबंध तभी स्थापित कर पाएंगे जब हम उसके कुछ सहज अनुभूतियों को अंगीकृत करें, उसको समझें। और निश्चित रूप से ये सुख और आनंद का विषय बड़ा अच्छा है, पर सबसे पहले एक बहुत बड़ी बात है, इन चीजों की चर्चा परिचर्चा करना इसलिए हमें आवश्यक हो जाता है कि भगवान ने हमें एक विविधता दी है। मनुष्य जो है वो अपनी सोच में विभिन्नता रखता है, ये एक ईश्वर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। मैं अगर एक गुलाब जामुन खाता हूं तो मेरे को एक अलग अनुभूति होती है, आप खाओगे आपको अलग अनुभूति होगी, और दूसरों के लिए उस चीज की अलग अलग अनुभूति होगी, कोई कुछ बताएगा कोई कुछ बताएगा। वास्तव में इन विचारों का समन्वय करना और उस समन्वय में अपनी सहभागिता करना और सही तथ्य को रखना, यह एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ईश्वर ने हमें विविधता दी, जब तो आज ये चिंतन मनन स्मरण सब करने को हम बैठे हैं, नहीं तो सबके विचार एक जैसे होते तो फिर ये प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो निश्चित रूप से एक समन्वय स्थापित करना, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, जन्म हुआ तो माता पिता, उसके बाद में फिर रिश्तेदार, फिर परिवार और उसके बाद में फिर समाज। तो हमारी ये सब सारी अपेक्षाएं आकांक्षाएं इन चीजों पर निर्भर करती है कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, तो हम अपने सुख के साथ साथ समाज के सुख के लिए क्या करें, ये एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण अवधारणा हमारे जीवन में रहती है। और हमें निश्चित रूप से अपना आत्मचिंतन भी करना चाहिए, स्वचिंतन भी करना चाहिए और आकलन भी करना चाहिए। यदि हम अपने आप में परिवर्तित हो गए तो फिर निश्चित रूप से ये सारी चीजें जो है वो उतनी कठिन नहीं रह पाती है। रही बात मानवीय संवेदनाओं की, तो इनकी प्रतिपूर्ति परिस्थिति पर निर्भर करती है। जब हम इन चीजों को समझ जाए तो फिर हमारे किसी के प्रति विचार या सद्भाव एक स्थायी हद तक कायम हो जाता है। हम अक्सर दूसरों की परिस्थिति नहीं समझने के कारण अपने विचारों में बदलाव कर देते हैं और निश्चित रूप से वो सब गड़बड़ हो जाता है। तो इन चीजों पर चर्चा परिचर्चा चिंतन आध्यात्म चिंतन होता रहे तो काफी अच्छा लगता है। ज्ञान तो अखंड है, नई नई चीजें भी हमको सुनने को मिलती है और समझने को मिलती है। तो निश्चित रूप से ये 5 दिवसीय जो प्रशिक्षण था, परिचर्चा का दौर था, बहुत अच्छा लगा। और निश्चित रूप से मानव का तो जीवन ही परमार्थ के लिए हुआ है, तो निश्चित रूप से हमारा तो ये पहला कर्तव्य बनता है कि हम किसी न किसी रूप में किसी न किसी तरीके से भला करें किसी का भी। निश्चित रूप से अपना अपना तो फिर जग ही है, लेकिन जो सपना होता है दूसरों के लिए जो हमें करना है, वो एक हमें जो हम परमात्मा का अंश कहलाते हैं ना, हम तो उसकी उपादेयता को फिर वो सिद्ध करता है। सभी विषय वस्तु समय के हिसाब से ये तो बहुत बड़ा विषय है सुख और आनंद का। और निश्चित रूप से अच्छा लगा, आप सभी लोगों की बड़ी बारीकी से उसमें सहभागिता भी रही, समझ भी रही, समझाया भी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे प्रशिक्षण आगे होते रहे तो ये निश्चित रूप से अच्छा रहता है मनुष्य जीवन के लिए भी और समाज के लिए भी।
अब रही बात आगे की कि संभावनाओं में क्या देखते हैं, क्या करते हैं, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा जीवन ही परमार्थ के लिए निर्माण हुआ है। मनुष्य का जीवन सर्वश्रेष्ठ माना गया है और वो इसलिए माना गया है कि वो परमार्थ करे, वही इसके जीवन का एक लक्ष्य है। तो जितना अपने से जो कुछ भला हो सके दूसरे के विषय में वो करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आगे आमंत्रित करना चाहूंगा श्री कृष्ण राव खाल जी 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 अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर रामदास जी राठौर जी, आपके पास माइक अवेलेबल है। जी सर नमस्कार। जी जी नमस्ते, नमस्ते। मेरी आवाज आप तक आ रही है प्रॉपर? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। जी सर, अपना अभी जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है ये वाकई में बहुत अच्छा कार्यक्रम है, और पहले भी मैं इस कार्यक्रम से जुड़ चुका हूँ और वहाँ से जो मुझे सीखने को मिला, तो वहाँ की जो एक लाइन थी कि दुनिया की इस हालत के लिए कौन है जिम्मेदार, तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि जो परिस्थितियाँ समाज की विकृत हुई है तो उसके लिए भी हम जिम्मेदार हैं, और इसको सुधारेगा कौन, तो उस सुधार के लिए आनंदम संस्थान द्वारा जो सभी के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो जहां तक शिक्षकों की भूमिका यदि समाज में हम देखें तो काफी महत्वपूर्ण होती है, और बीइंग अ टीचर ही हम पूरे समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। यहाँ मैं बीच में अपना परिचय भी आपको दे दूं सभी को। मैं डॉक्टर रामजी दास राठौर गेस्ट फैकल्टी हूँ MLB कॉलेज ग्वालियर में कॉमर्स विषय में। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है, और बाद बाकी बहुत सारी चीजें समय समय पर मुझे सीखने को मिलती रही हैं विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से। और ये जो संस्थान कार्य कर रहा है आनंदम संस्थान, ये बहुत अच्छा कार्य है, और मैं चाहता हूँ कि ये से सभी टीचर्स को निश्चित तौर पर एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर ला करके जोड़ा जाए, वो किसी भी लेवल पर हो, चाहे प्राइमरी लेवल पर हो, मिडिल लेवल पर हो, या हायर एजुकेशन से संबंधित हो, तो जो आनंद की अनुभूति जब हमारे पास होगी तो जो हमारे पास होगा वही हम दूसरों को दे पाएंगे। और परिस्थितियां एक ऐसी बन चुकी है कि हम आपाधापी में लगे रहते हैं, डेली दिनचर्या हमारी इस तरीके से है कि सुबह से शाम तक तमाम उलझनों को हमको फेस करना रहता है। लेकिन अभी जो 4 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम हमने देखा, 5 दिन का, तो उसमें मेरे व्यवहार में काफी परिवर्तन आया। जहां एक आदेशात्मक भाव रहता था या उपदेशात्मक भाव रहता था, तो वहां प्रस्ताव को मैंने सीखा यहाँ पर, और प्रस्ताव को जीने से वाकई में मजा आ रहा है। तो वहां जब प्रस्ताव हम रख रहे हैं तो वहां हमको ये एक अभिलाषा नहीं है कि नहीं आप हमारी बात को माने ही, तो एक हम बंधन से मुक्त हो गए, और जहां हम बंधन से मुक्त हुए तो एक हमारा स्ट्रेस कम हो गया, टेंशन लेवल काफी मैं कम महसूस कर रहा हूं, और अपने आप को काफी आनंदमय महसूस कर रहा हूं कि नहीं एक अच्छा तरीका है कि अपनी बात को रख दीजिए सामने वाले के सामने, और सामने वाला अपने पे कि वो प्रस्ताव सही है नहीं है, उसको मानना है नहीं मानना है, और उसके अनुसार वो कार्य। तो मेरे जीवन में भी काफी परिवर्तन है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी तरह बाकी सब लोगों का भी जीवन लगातार बदले, और हम सभी का जो इस दुनिया में जन्म हुआ है, तो इसको मैं इस तरीके से कहना चाहूंगा कि धन्य भाग मानव तन पाया, और धन्य भाग शिक्षक बन समाज में आया, तो मानव शरीर मिला, और उसमें भी शिक्षक का मुझे एक जिम्मेदारी ईश्वर के पास से प्राप्त हुई है। तो जितना परमार्थ अपन कर सकें, और वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम सभी को रखना है, पूरा विश्व ही हमारा घर है, और जब सभी की भावना बदलेगी तो निश्चित तौर पर जो समाज में जो विकृतियां कभी कभी देखने को मिलती हैं कि जहाँ कुछ लोगों के कारण काफी सारे लोग एक जैसे अपन कहेंगे कि बदनाम होते हैं, समाज में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, सभी लोग बहुत अच्छे हैं, एक से एक अच्छे लोग हैं, लेकिन वो अच्छे लोग अपनी अच्छाइयों को समाज में देना चालू करें तो ये अच्छाइयों का बीज बढ़ता चला जाएगा, और हम एक बहुत बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे, और वही हमारा जीवन सफल हो जाएगा कि ईश्वर ने हमको इस दुनिया में भेजा तो हम भी कुछ समाज के लिए करके इस दुनिया से जा सके, क्योंकि जब आए हैं तो जाना भी तय है। तो यही सब बातें मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। आनंदम संस्थान ने मुझे इस ट्रेनिंग कार्यक्रम में जोड़ा, उसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूं, और आगे की कार्यक्रमों में भी मुझे जोड़ते रहें। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आपको लगे
ये मेरी सेवाओं की कहीं पर भी आवश्यकता है तो आप निश्चित तौर पर मुझे बताएं, क्योंकि मैं एजुकेशन लाइन से जुड़ा हुआ हूं, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जहां भी मदद मैं आपकी कर सकूं और लोगों को सिखा सकूं, प्रेरणा दे सकूं, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात रहेगी। और जितना भी मैंने आप लोगों से सीखा है, पहले की ट्रेनिंग में भी सीखा, अभी भी सीखा, उसको मैं अपने साथियों को और समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। आप सभी ने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती निधि चतुर्वेदी जी को। हेलो सर, एम आई ऑडिबल और नॉट सर? जी जी, ऑडिबल ऑडिबल जी। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन सच अ बिग प्रोग्राम। एंड सर, माई सेल्फ निधि चतुर्वेदी एंड आई एम फ्रॉम कटनी एंड एजुकेशन फील्ड सर। And really very thankful to Anita Jain ma'am who sent this link to me. And especially thanks to Mukesh Karua sir from Raj Anand Sansthan who gave the circumstances like my relieving order. And by this I am able to attend your program concentratedly for last 4 days sir. So actually I want to say that ये जो आपने बोला है sir कि मेरे व्यक्तिगत जो उपलब्धियों की बात हम करते हैं, तो सर अभी मुझे सर व्यक्तिगत उपलब्धियां मतलब मेरी ना के बराबर है, बट इतना है कि इस 5 दिन के सत्र से मैं अपने आप को खंगाल पा रही हूँ। मतलब मैं एक आधार या एक बेस बना पा रही हूँ कि मैं कैसे खुद को जांच पाऊं। और दूसरी चीज सर, जो आपके माध्यम से मुझे ये सुख समृद्धि प्रकृति जड़ चेतन जो बौद्धिकता है सर, वो मुझे काफी हद तक समझ में आई है। और मैं चाहूंगी ऐसे भी सत्र में भविष्य में और अटेंड करूं ताकि मेरी जो समझ है सर वो और भी अच्छी हो सके। और चूंकि एज अ टीचर हमारे अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को दे पाए, समाज को दे पाए, तो मुझे तो सर ये सत्र केवल अच्छा नहीं लगा है बल्कि इतना अच्छा लगा है सर कि मैं इसको आत्मसात कर पा रही हूँ। और मेरे विचारों में मुझे धीरे धीरे परिवर्तन भी समझ में आ रहा है क्योंकि मेरी सोच बदल रही है सर। तो यदि हम UHV की विषय वस्तु और प्रक्रिया में संभावना की बात करते हैं सर, तो बहुत सारी संभावना है क्योंकि मुझे अपने अंदर ये संभावनाएं समझ में आने लगी है। और मुझे लगता है कि मैं एक जिम्मेदार जो मेरी भूमिका है, चाहे मैं व्यक्तिगत स्तर की बात करूँ सर या मेरे परिवार के स्तर पर या जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम अपनी सेवाएं दे पा रहे हैं सोसाइटी के लेवल पे और पूरे प्रकृति पर, तो सर वो संभावना है सर मेरी निष्ठा की बात यदि मैं करूंगी सर और मेरी जो फ्यूचर प्लानिंग है UHV के कार्यों के प्रति, तो आपने इतने निष्ठावान तरीके से यदि मुझे किसी चीज की समझ दी है सर, तो भविष्य में उसको लेकर चलूंगी। एंड सर एक्शन प्लान जो रहेगा वो मेरे स्तर से प्रारंभ होगा और मेरी संस्था तक जाएगा। तो अगेन सर आई एम वेरी थैंकफुल टू UHV टीम एंड हमारा राज्य आनंद संस्थान जो हमें आनंद का एक स्रोत बनने की जो कहना चाहिए कवायद उस पर लेकर चल रहा है। तो मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ सर, और ज्यादा समय भी आप लोगों का नहीं लूंगी क्योंकि बहुत सारे अभी हमारे सहभागी हैं जिनको हम सुन सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी जी, धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी सुबह के सत्र का समय हो चला है और दोपहर के सत्र को शुरू करेंगे, तो उसमें UHV का ये जो वर्कशॉप पहली बार ऑर्गेनाइज किया उनके कुछ प्रतिभागी इस पर्टिकुलर वर्कशॉप के अंदर वॉलंटरी एक्टिविटी भी कर रहे हैं, तो उनको सुनते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो हम सभी 3 बजे दोपहर के सत्र में मिलेंगे, तो तब तक के लिए सभी को नमस्ते। जी धन्यवाद अविन भैया, नमस्ते सभी को, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर, थैंक यू सो मच सर। नमस्ते। तो हमारे साथ हैं सबसे पहले कौशल किशोर जी, और जी भैया मैं मेरे इस वाले मोबाइल पे वो दे दीजिए जी। परीक्षित भैया जी, जी भैया जी, जी भैया धन्यवाद। तो इसी क्रम में मैं सबसे पहले
बुलाना चाहूंगा कौशल किशोर जी को, और उनके बाद बुलाऊंगा श्रीमती प्रभा बैरागी जी को। जी तो कौशल जी आपका अभिनंदन है। थैंक यू। मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। जी तो मेरा नाम, मैं कौशल किशोर बूटालिया ग्वालियर से, मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड वारंट ऑफिसर हूँ, और प्रेजेंटली मैं स्कूल्स कॉलेजेस में जाके स्व प्रबंधन पर निशुल्क सत्र लेता हूँ। तो इससे मुझे जो सबसे बड़े जो दो तीन हमें पॉइंट क्लियर हुए हैं वो ये है कि हम जानने पे ज्यादा समय दें तभी हम कोई चीज मान पाएंगे, क्योंकि मानने में जो बाधाएं आती हैं वो हमारी मान्यताएं और हैं जो पुरानी है, उनको ही हम, उनके कारण हम उसको मान नहीं पा रहे हैं। तो जब हम पूरी तरह जान लेंगे तो अपने आप को समझा पाएंगे कि ये सही है ना। तो ये मुझे क्लियर हुआ है। और स्वयं में परिवर्तन, मैं जो वर्कप्लेस और स्कूल्स कॉलेज में जो स्व प्रबंधन पर लेता था उसमें मुझे बहुत विश्वास बढ़ा है, क्योंकि ये सत्र जैस को मैंने अटेंड किया है तो ये करीब करीब मेरी जो जीवन की मान्यताएं हैं और जो कंसेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हुए हैं, और उसमें हमें और मदद मिली है। और जो विषय वस्तु और जो इसकी है संभावनाएं हैं ये पूर्णता प्रभावी है, ये जो यूएचबी की जो विषय वस्तु है, और इसमें संभावनाएं देखता हूं कि यही एक विधि है जो कि अनवाइज्ड है, और इसमें ये सभी व्यवस्थाओं को सुधारने में सहायक होगी अगर हम इस विषय वस्तु को लेकर के अगर हम चलते हैं। तो मुझे ये संभावनाएं दिखती हैं कि हम व्यक्तिगत स्तर पर और समाज परिवार सब में परिवर्तन लाने के लिए ये कंप्लीट कंपैक्ट विधि है। और एक्चुअली ये ह्यूमन वैल्यूज को बढ़ाने में पूर्णता जो है प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने में सहायक है, अतः ये अच्छे समाज और अच्छे व्यक्तियों को निर्माण में सहायक होगी। और इस यूएचबी के कार्यक्रम में मेरी पूर्ण निष्ठा है, और यह हर तरह से, और मैं हर तरह से इसको सहयोग करने में समर्पित हूँ। मैं जो कार्यक्रम चला रहा हूँ, मैंने देखा कि ये दबन, मैं जो काम करता हूँ उसका मेनली टैगलाइन यही है कि दबन हु कैन मैनेज हिमसेल्फ ही कैन मैनेज एनीथिंग इन लाइफ। तो वो, और आप यहाँ पर जो इस शिविर का जो मैंने देखा है तो करीब करीब मैच करता है, और मैं अब और बड़े लेवल पे इसको करना चाहूंगा, बीच में थोड़ा रुक गया था। तो और दूसरा, आनंद संस्थान के साथ जुड़ा होने के कारण उनके कार्यक्रम में भी मेरा जो थीम है वो यही रहती है कि हम अपने आप में बदलाव लाएं तो सारी चीजें बदल जाएं, क्योंकि हम एक इकाई हैं। जितने लोग भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं अगर वो बदल जाएंगे तो उनसे मल्टीप्लिकेशन अपने आप ही हो जाएगा। तो हम विशेष ध्यान इस पे देंगे, और आगे चल के हम स्कूल्स कॉलेजेस में और वर्क प्लेस पे मैं यही कोशिश करूंगा कि अपने आप को बदलें, अपने आप में सुधार लाएं, जो अपनी समझ को बढ़ा के पहले जाने फिर माने फिर जिए। बस ये इतना काफी है, और ज्यादा तो सीखने की मुझे नहीं लगती जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती प्रभा बैरागी जी को। जी सर, नमस्कार सभी को, सादर नमस्कार। इसमें एक चीज हमको कहना है, एक मिनट जी, हमको क्या समझ में आया वो बताएं, रादर देन के हम अपना कार्यक्रम बताएं ना। हमको मतलब पहले दो पॉइंट्स जो हैं उसमें ठीक से ये बताएं कि हमको क्या समझ में आया, क्या ध्यान में आया, वो करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी भैया जी तो सभी से अनुरोध है कि हमें अपने में क्या चीज जांच पाए, क्या समझ पा रहे हैं, इस बात को अगर हाईलाइट कर पाएंगे तो ये सभी के लिए उपयोगी बन पाएगा। जी तो अब जी। मैं जी प्रभा जी 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 सभी को सादर नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद दूंगी कि आप सबने मुझे ये महसूस कराया
कि हम जिंदगी में अपने आप में स्वयं में कितना सारा बदलाव ला सकते हैं और कितनी सारी चीजों को स्वयं ही सुधार सकते हैं। तो बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम प्रभा बैरागी है, मैं उज्जैन से हूँ। वैसे हमारा जो बिजनेस है वो दवाई का बिजनेस है और मेरा अपना जो स्वयं का है वो मैं ज्योतिष का काम करती हूँ। और बच्चे दोनों हैं तो बच्चों का बी फार्मा हो गया है। और मैं राज्य आनंद संस्थान से जब से जुड़ी हूँ तो मैं राज्य आनंद संस्थान को मतलब 1000 times थैंक्स कहूँगी कि जिस स्थिति में मुझे प्रवीण जोशी जी जो यहाँ समन्वयक हैं राज्य आनंद संस्थान के, उन्होंने मुझे पहली सेशन 6 दिन का जो अल्प विराम का लेने को कहा, तब से जो मैंने अपनी लाइफ में बदलाव महसूस किया है तब से मुझे ये सारे सेशन बहुत अच्छे लगते हैं। और ये UHV के सेशन में भी उन्होंने मुझे बाकायदा फ़ोन किया और कहा कि मैडम आप यहाँ जुड़िए। और अनीता मैडम का भी मेरे पास मैसेज था कि आप यहाँ जुड़िए। तो मैं अनीता मैडम और प्रवीण जोशी जी को भी धन्यवाद दूंगी और राज्य आनंद संस्थान को भी धन्यवाद दूंगी। अब मैं अपनी बात कहती हूँ सर कि मैं वाकई में बहुत खुश हूँ इन सब चीज़ों को सुनकर और समझकर और अपने आप में परिवर्तन देख करके। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी जो विशेष रूप से है कि मैं और शरीर दोनों में जो अंतर मैं समझ पाई हूँ, क्योंकि मैं समझाने की अगर कोशिश भी करती हूँ तो मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ तो मैं सामने वाले को भी नहीं समझा पा रही हूँ। तो जब मुझे ये समझ में आया कि मैं का मीनिंग घमंड नहीं होता, अहम नहीं होता है, मैं का मतलब मैं, मेरी जो मतलब मुझे जो चाहिए वो अलग चीज है, शारीरिक जो भौतिक जो चाहिए वो अलग चीज है। तो दोनों को जब मैं और शरीर में जब मैं अंतर करके अपने आप को देख पाई सर, तो मैं बहुत अपने आप को महसूस कर रही हूँ कि शायद हम कितनी सारी गलतियां करते हैं जिसके कारण कई बार हमारे घर में बहुत सारी बातें हो जाती हैं जिनकी जिम्मेदार मैं आज समझती हूँ कि कई जगह मैं खुद भी हूँ। दूसरा सर, मूल्य का जो आपने बताया कि मूल्य हमारा स्वयं का मूल्य सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मूल्य, क्योंकि हमको मालूम नहीं है, हम सही मूल्यांकन करते नहीं है। किसी को बढ़ चढ़ के बोल देते हैं वो ज्यादा सारी प्रशंसा में आ जाता है और फिर अपने आप में अहम भाव में आ जाता है। फिर दूसरे की किसी को कम बोल देते हैं तो वो अवसाद में चला जाता है। ये भी सर मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया। वैसे ऐसा भेदभाव मैं कभी करते नहीं हूँ, परंतु फिर भी अगर बाय चांस भी कभी कभी हो जाता है तो बच्चों में तो कहने में आ जाता है। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा सर। और जो कॉम्पिटिशन की भावना है वो जो आपने बताया बच्चों के लिए, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत सारी चीज़ों को अपने आप में देख पाई, अपने आत्मसात कर पाई सर। एक अनुकरण जो आपने बताया, अनुकरण और अनुसरण, तो अभी तक अनुसरण का जो मीनिंग था वही अनुकरण का मीनिंग हमारे लिए हम समझते थे, क्योंकि कभी हमने उसको डिक्शनरी खोल के डबल से देखा नहीं, जब पढ़ लिया तो ठीक है, लेकिन उस चीज को जब हमने समझा तो पता पड़ा कि अनुकरण में मतलब मैं यहाँ कहूंगी कि मैं अपना दिमाग बहुत लगाती हूँ सारी बातों में। तो वो मुझे समझ में आया कि अपना दिमाग अपने को कहाँ लगाना और कहाँ नहीं लगाना, तो मतलब एक प्रकार से चुप रहना समझ में आया। समृद्धि के बारे में भी मैं बहुत अच्छे से समझ पाई और अस्तित्व और सह अस्तित्व को समझ पाई कि इनमें क्या अंतर है और ये किस प्रकार से मतलब सभी में, समाज में और प्रकृति में और स्वयं में हम में किस प्रकार से कार्य करते हैं। साथ ही दया और कृपा, क्योंकि मुझे कोई भी पूछता है तो मैं साफ कह देती हूँ कि मैं किसी पर दया नहीं करती हूँ, मैं करुणा का भाव रखती हूँ। तो कई लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं क्योंकि या तो वो करुणा का भाव नहीं समझ रहे हैं, या चूंकि मैं दया, मुझे ऐसा लगता है कि दया तो भगवान करते हैं, दया करने वाली मैं कौन। मैं करुणा का भाव रखती हूँ, एक वात्सल्य का, ममता का जो भाव रखती हूँ, मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो और एक कृपा, ये दोनों को आपने समझाया कि ये दोनों मिलकर करुणा बनती है। तो थैंक यू सर, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक और चीज है कि मैं सबके लिए जब कार्य करती हूँ और जब मेरा समय आता है और कोई मुझे हेल्प नहीं करता तो मुझे बड़ा दुख होता है, लेकिन आज से पक्का ये हो गया कि ठीक है, हो सकता है वैसे मैं कई बार बस एक दो दिन मन दुखी करके रह जाती हूँ, पर अपना मन दुखी नहीं करना है, ये मुझे समझ में आया। फिर मुझे सर समझ में आया, मैं शायद आपके इन पॉइंट के हिसाब से तो नहीं बोल पा रही हूँ, परंतु मैं अपनी बात चूंकि मैंने सब लिख लिया था, नोट कर लिया था, तो मैं उस हिसाब से आपसे बता रही हूँ। जानना, जो आपने सेकंड पॉइंट में लिखा है जानना, तो मुझे उसमें जो आपने जानने की प्रक्रिया बताई, तो मेरा सबसे बड़ा वीक पॉइंट है कि मैं बिना जाने हर कार्य को करने की कोशिश करती हूँ, मैं उसको पहले परखती नहीं हूँ। कोई भी मुझसे कुछ कहे, हाँ कर दूंगी, हो जाएगा,
और जब उसको करने की प्रक्रिया में मुझे तकलीफ पड़ती है तो मैं अपने मन को दुखी होते रहती हूँ, अरे मैंने सोचा ही नहीं, अरे मैंने विचारा ही नहीं, अरे मैंने देखा ही नहीं, बड़ा मतलब उस समय बड़े दुख होता है। आज से मैंने अपने आप में ये डिसाइड किया है कि मैं सबसे पहले कोई भी बात आएगी तो उसको अपने सामने रखूंगी, जबकि मैं जानती हूँ कि एक अगर मान लो कोई सर्कल है तो उसके केंद्र बिंदु से जितना कोण बनते हैं मुझे उसको ध्यान रखना है, परंतु अभी शायद कुछ समय में नहीं कर पा रही हूँ, मैं महसूस कर रही हूँ। तो मैं आज से डिसाइड किया है कि सबसे पहले कोई भी बात आए उसको सामने रखो, उसके लाभ हानि देखो, उसकी हर चीज देखो कहाँ क्या हो रहा है, और सब सद्भावना में, किसी का कोई नुकसान भी ना हो। तो सर ये मैंने डिसाइड किया है कि मैं सबसे पहले जांचूंगी, परखूंगी, फिर समझूंगी, पहचानूंगी, मानूंगी सबसे आखिरी में, और फिर उसको निर्वहन करने के लिए तो फिर वो अपने आप ही व्यवस्था पूरी हो जाएगी। तो थैंक यू सर, मुझे बहुत सारी, और आपका जो एक पॉइंट है इसके बाद मैं आपसे कहना चाह रही थी कि जो आपने ये पूछा है कि आप UHV की विषय वस्तु और प्रक्रिया से क्या संभावनाएं देखते हैं, तो मैं सर संभावनाएं बहुत देखती हूँ, और मैं बहुत समय अगर पहले मुझे ये सब चीज़ें समझ आ जाती, क्योंकि मैंने बहुत ज़िंदगी में संघर्ष किया है, बहुत संघर्षपूर्ण लाइफ रही है, तो उस लाइफ में अगर मुझे ये सब चीज़ें एक एक चीज़ के लिए मुझे टटोलना पड़ा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स पड़ी, लेकिन फिर भी मैं उस तरीके से नहीं समझ पाई जिस तरीके से मैं अभी राजानंद संस्थान में और अभी आपसे, और अभी चूंकि IOIC में हम काम कर रहे हैं तो उसमें भी हम समझ पा रहे हैं, लेकिन आज जो ये सेशन में मुझे समझ में आया वो मुझे अभी तक समझ नहीं आया था। तो सर मैं चाहूँगी भी सही कि मतलब पूरा ब्लॉक स्तर से लेकर के मैं पूरा, अगर आप विश्व स्तर तक भी पूछेंगे या स्वयं के स्तर पर भी पूछेंगे, तो मैं चाहूंगी कि मैं हमेशा ये सेशन भी आपका ज्वाइन करना भी चाहूंगी आगे भी, और अगर मेरे से जो बना पड़ा तो मैं उसमें भी मेरा सहयोग रहेगा, और सभी जगह बहुत सारा इसको मतलब फैलना चाहिए इन सब चीजों को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लोगों को ये नहीं पता होता कि एक चिल्लाने में और एक समझाने में क्या अंतर है। मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं, एक बोलने में और एक देखने में क्या अंतर है उनको ये समझ में नहीं आता। तो मैं तो चाहूंगी सर कि जितना ज्यादा फैले और उतना ज्यादा अच्छा है। मेरी निष्ठा की जहां तक बात है तो मुझसे सर जितना भी जो भी बन पड़ेगा मैं जरूर से इसको लगन के साथ सबसे कहूंगी, मैं स्वयं भी इसमें चेंज करूंगी अपने आप में, और मैं अपने परिवार, अपने पड़ोस, क्योंकि मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, बहुत सारे संगठनों से मैं जुड़ी हुई भी हूँ, तो मैं वहां भी इन सब चीजों के बारे में बात करूंगी। तो सर ये इतना सा मेरा कहना था, और ये जरूर है आखिरी में मैं कहूंगी कि मैं अपनी चाहना पर अब विश्वास करना शुरू करूंगी और उसमें ही विकास शुरू करूंगी। थैंक यू सर, और मेरी चाहना अच्छी होगी, ये भी मेरा आपसे प्रॉमिस है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, और राजानंद संस्थान को भी बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत धन्यवाद, और सर जो भी मुझे बोलना है बाकी भी, क्योंकि बहुत सारा लिखा हुआ है सबको बोलना है, तो मैं आपके उसमें जो आपने दिया है पोस्ट वर्कशॉप वाला तो उसमें मैं लिख दूंगी सर। थैंक यू सो मच, और हम आपके आभारी हैं, धन्यवाद सर, राजानंद संस्थान के भी आभारी हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि समय सीमा बहुत कम है और काफी जितने ज्यादा हैं उनको हम सुनना चाहते हैं सभी से, तो थोड़ा समय को देखते हुए अपनी बात रखें। दीदी का धन्यवाद, और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर श्याम जी हमारे साथ मौजूद हैं विदिशा से। जी जी नमस्ते, आपके पास माइक अवेलेबल है जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं जी। ठीक है, जब तक मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री गजेंद्र जी को। जी धन्यवाद, आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी आ रही है सर। जी जी सर, बोलने का अवसर देने के लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजानंद संस्थान, UHV टीम और अनीता जी का, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में जुड़वाया। अब चूंकि समय सीमा है इसलिए अपनी बात को संक्षिप्त रूप में रखता हूं। मेरा नाम गजेंद्र सरकार है और मैं ग्वालियर से हूं, यहां के गवर्नमेंट GR मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में मैं अकाउंट्स का कार्य देखता हूं, साथ में ज्योतिष में भी रुचि रखता हूं और टीचिंग भी करता हूं, और आंतरिक परिवर्तन के उद्देश्य से जुड़े कुछ कार्यक्रम में भी शामिल राजानंद संस्थान और IOIC इनसे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ हैप्पीनेस प्रोग्राम से। तो पहला जो हमारा पॉइंट है कि UHV शिविर के माध्यम से मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि क्या है, तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं प्रस्ताव, सम्मान, श्रेष्ठता, प्रतिस्पर्धा, श्रद्धा
जैसे शब्दों को अपनी विचारशीलता में लाकर जीवन और अनुभव में देख पाया और अपने स्वभाव व्यवहार और क्रियाशीलता में से लाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ और करता रहूँ। दूसरा जो है मेरे विचारों में जो मैं परिवर्तन देखता रहूँ। मैं सहज स्वीकृति शब्द के लिए विस्तार पूर्वक अध्ययन से आंतरिक व सही समझ पर अपना ध्यान केंद्रित कर पा रहा हूँ और इस समझ को विकसित कर पाया हूँ। यही मेरे व्यक्तिगत पारिवारिक प्रकृति के समृद्धिपूर्ण समग्र विकास का आधार बन रहा है और बन सकता है। और इस चेतना को पृथक रूप से समझने के लिए एक अनुकरणीय मैं कहूंगा कि ये कार्यशाला रही। तीसरा जो हमारा इसकी विषय वस्तु प्रक्रिया में क्या संभावना देखता हूँ, तो अगर मैं व्यक्तिगत स्तर पर बात करूँ तो सर्वप्रथम सही समझ और सहज स्वीकृति के आधार पर परिवर्तन लाना चाहूंगा जो मुझे महसूस हो रहा है इन 5 दिनों में। पारिवारिक स्तर पर मैं रिश्तों को विकसित करने की बात करूंगा और प्रकृति का जो दोहन है उस पर जो हमें यहाँ से समझ मिली है उसे पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर मैं उसे लाने के लिए अवश्य प्रयास करूंगा। युवी कार्य से मेरी निष्ठा और मेरी आगे की योजना क्या है। नीति के स्तर पर मैं स्वयं अपनी संस्था दूसरी संस्थाओं परिवार और समाज के स्तर पर समूह में एक विचार और विषय वस्तु को लेकर उन्हें सही समझ के साथ परिवार और प्रकृति और स्तर पर सुधार और संभावनाओं को तलाशूंगा और उसमें यह शामिल करने का मैं प्रयास करूंगा। और जो समझ मुझे मिली है उस समझ को मैं सबसे पहले अपने आंतरिक रूप में व्यापक स्तर पर परिवर्तन करने की कोशिश करूंगा क्योंकि मेरी समझ से ही मेरा परिवार में सुधार होगा, समझ विकसित होगी और मेरे परिवार की समझ से समाज विकसित होगा। और अगर समाज विकसित होगा तो जो संतुलन हमने इस कार्यशाला में सीखा है उस संतुलन को निश्चित रूप से विकसित कर पाएंगे। एक गहरी समझ यहाँ से मिली है कि व्यक्तिगत समझ पहले से थी, इस दिशा में हमें एक स्पष्ट मैं कहूंगा एक सीख मिली है कि हमारी जो व्यक्तिगत समझ होती है सही समझ अगर हम उसको ठीक से विकसित कर पाते हैं तो सुधार निसंदेह होने लगता है। फिर वही विचार हमसे परिवार और वही विचार हमसे समाज और फिर इस सृष्टि या इस प्रकृति तक जाता है। तो मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। संक्षिप्त शब्दों में एक आखिरी लाइन ये कहना चाहूंगा कि मुझसे मेरी मुलाकात को सशक्त किया है इस कार्यशाला ने। हाँ बहुत कार्य बाकी है, बहुत यात्रा भी बाकी है जिस पर धीरे धीरे मुझे चलकर परिवर्तन को प्रशस्त करना। तो धन्यवाद देता हूँ मैं पूरी टीम का और खासकर जो वक्ता थे इस शिविर के उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उनका धैर्य, उनका स्वीकार, उनकी समझ और उनका मैच्योरिटी लेवल बहुत अच्छा था। वो तारीफ पर भी खुश, बहुत ज्यादा खुश नहीं हो रहे थे और निगेटिव बातें होने पर भी अपने आप को बहुत संतुलित बनाए हुए थे। तो इस बात से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ अभी हैं डॉक्टर श्याम विदिशा से। जी जी नमस्कार आप। जी जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ थोड़ी तेज अगर कर सकते हैं। अच्छा अच्छा जी जी धन्यवाद। वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं? जी हाँ, मैं डॉक्टर श्याम लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में इंजीनियर था और रिटायरमेंट के बाद मैंने PhD किया और डेक में मैं विशेषज्ञ सदस्य के रूप में भी रहा डिस्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल अप्रेजल कमेटी में और रिटायरमेंट के बाद ही मैंने MSc योग में किया और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में मैं योग का गेस्ट फैकल्टी भी रहा। ये इस 5 दिन की कार्यशाला में मेरी उपलब्धि ये है कि मेरे जो विचार थे उन वो दृढ़ हुए हैं। मेरे 5 दिन का बहुत अच्छा उपयोग हुआ है, ये मेरी उपलब्धि है। मैं अपने पर और दूसरों पर ज़्यादा गहराई से सोच सकता हूँ। मेरे विचारों में परिवर्तन तो क्या जो विचार थे वो सुदृढ़ हुए हैं। तो UHV की जो विषय वस्तु है उसमें मैं इस संभावना देखता हूँ, जैसा कि मैडम उषा जी ने कहा था कि बच्चों में ये कार्यशाला का प्रयोग किया जाए। तो मेरा विचार ये है कि कॉलेज में भी इसका प्रयोग हो। मैं समझता हूँ कि मैंने अगर कॉलेज लाइफ में इस तरह की कार्यशाला अटेंड की होती तो मेरे जीवन की दिशा कुछ सकारात्मक होती। फिर भी अभी जो समस्याएं हैं, एक बहुत बड़ी समस्या है रासायनिक खेती की, जो सभी स्तरों पर
निजी स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, समाज के स्तर पर और प्रकृति के स्तर पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। और उससे निजात पाने के लिए यूएचबी का ग्राम स्तर तक पहुंचना मैं उचित समझता हूं। और ये जो प्रशासन है और शासन है, इसमें अब मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूं शायद ये अनुकूल नहीं होगा, जो करप्शन बैठ गया है, इससे भी निजात पाने के लिए जो उच्च नेता हैं उनमें भी और जो उच्च ब्यूरोक्रेट हैं उनमें भी इस तरह की कार्यशाला का आयोजन होना चाहिए। और यूएचबी कार्य में मेरी निष्ठा बिल्कुल है और इसके अनुसार मेरा कोई उपयोग कभी मैं समझूंगा तो इसके साथ मैं भी करूंगा और अपेक्षा करूंगा कि अगर आप मुझे इस लायक समझें तो ऐसा अवसर दें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती रश्मि खरे जी को। जी आपके पास माइक अवेलेबल है। जी जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर आपको और सभी साथियों को हमारे। मैं रश्मि खरे कटनी जिले से, मैं प्राथमिक शिक्षक हूँ और इसके साथ ही मैं राज्य आनंद संस्थान से पिछले 3 वर्षों से लगभग जुड़ी हुई हूँ। और उससे जुड़ने के बाद मेरे अंदर परिवर्तन तो बहुत आया और उसके तहत मतलब मेरे साथ और भी महिला शिक्षक साथी हैं मेरी, तो हमने मिलकर के एक क्लब भी बनाया हुआ है आनंदम का, यूनिक आनंद क्लब के नाम से। और हम समाज के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ छोटे छोटे कार्य सहयोगात्मक करते रहते हैं। लेकिन इस कार्यशाला से जुड़ने के बाद मुझे बहुत परिवर्तन लग रहा है स्वयं में। वैसे तो देखा जाए तो हर दिन जो कुछ बताया गया है सब कुछ बहुत उपयोगी है हमारे लिए, या मैं बोलूं मेरे लिए, स्वयं के लिए। और मैं और शरीर के फर्क से लेकर के लास्ट जो है बिल्कुल शून्य तक की जो बात हुई है अस्तित्व की, सह अस्तित्व की, वहां तक हर चीज मुझे अच्छे से समझ में आई है। कहाँ तक वो याद रहेगी या कहाँ तक मैं उसमें सफलता पाऊंगी अभी कुछ कह नहीं सकती हूँ, पर फिर भी अपनी कुछ बातें यहाँ शेयर करना चाहूंगी कि जैसे मेरे अंदर भी सुविधाओं को लेकर के एक चीज थी कि मैं मतलब एक लालच बोल सकती हूँ उसको कि जैसे कि इसको और इकट्ठा कर दी जाऊं। ऐसा स्वभाव कुछ समय से मेरे अंदर बना हुआ है और खास तौर पर मैं बिल्कुल मतलब सत्यता के साथ स्वीकारूंगी इस मंच के माध्यम से कि कपड़ों को लेकर मेरे अंदर बहुत लालच है और अपने से ज्यादा अपने बच्चों के कपड़ों को लेकर के, पता नहीं ये क्यों है, पर इससे मैं समझ पाई हूँ सुविधाएं कितनी होनी चाहिए और यदि वो सीमित और असीमित का जो उसका फर्क है वो भी मैं समझ पाई हूँ। सर ने जो एक उदाहरण दिया था कि हमें मतलब जितनी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए, तो वो हमने हमेशा सुना था अपने बुजुर्गों से भी, लेकिन मुझे उनकी वो बात बहुत अच्छी लगी कि चादर लगभग ऐसी हो, बहुत मतलब टेंट भी ना हो पर ऐसा भी ना हो कि हमें अपने पैर सुकोड़ने पड़े, लगभग वैसी हो कि हम उसमें आरामदायक स्थिति में रह सके। तो इसने मेरे वो जो मतलब सुविधाओं को या कहूँ कपड़ों की लालच को जो लेकर एक दिमाग में है वो बात एकदम क्लियर की है और मैं उसमें पूरी सुधार करने की कोशिश करूंगी। इसके साथ ही एक अपमान शब्द जो है उसका भी मैं खुद शिक्षक हूँ स्वयं और अपने स्कूल के बच्चों से या अपने घर के बच्चों में मुझे कोई फर्क नहीं लगता, मुझे ऐसा है मेरा व्यक्तिगत तौर पर, मैं उतने ही प्यार से या लाड़ से या डांट के कहूँ जैसे भी अपने बच्चों से बात करती हूँ वैसे ही अपनी कक्षा के बच्चों से भी बात करती हूँ और वैसा स्वभाव मेरा उनके साथ भी हमेशा रहा है, रहता है और रहेगा भविष्य में। लेकिन मैं कई बार जाने अनजाने तौर पे जैसे अपन जो सर ने उदाहरण भी दिया था मुझे उस वक्त अपनी बात याद आ रही थी और कि मैं अक्सर ऐसे अपने घर में अपनी बेटियों को भी बोल देती हूँ अरे गधी हो तुम लोग, ये काम नहीं सीख कर रही हो, गधी हो बिल्कुल, अपने बच्चों को बोल देती हूँ स्कूल के, तो वो
बोलना, उसमें मैं सुधार करूंगी उस आदत में। मैं लिंग भेद नहीं करती हूँ, मेरी कक्षा में इस तरह का कोई माहौल नहीं है, लेकिन विद्यालय में कुछ इस तरह का माहौल चला आ रहा है। ये मुझे उस बात से भी समझ में आया कि जैसे हमारे स्कूलों में प्राय बॉयज एंड गर्ल्स की लाइन अलग अलग लगती है, या हम कक्षा में जो बैठक व्यवस्था रहती है तो लड़के एक तरफ बैठते हैं, लड़कियां एक तरफ बैठती हैं, इस परिवर्तन को भी मैं, मतलब ये जो भेद है इसको भी मैं दूर करने की कोशिश करूंगी, ये परिवर्तन अपने यहाँ करूंगी। तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीजें हैं जो, मतलब सब चीज तो मैं इतने कम समय में नहीं बता पाऊंगी, लेकिन बहुत सारी कमियां मुझे मेरे अंदर महसूस हुई, मैंने उन्हें स्वीकारा है सहज, और मैं उनमें परिवर्तन करने की पूरी कोशिश करूंगी। और बहुत सारी संभावनाएं हैं UHV के इस कार्यक्रम में, क्योंकि यदि हमने आने वाली पीढ़ी को ये चीजें समझा दी तो मुझे लगता है हमारे परिवार हो, चाहे समाज हो, या हमारे देश हो, या हमारे पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा दिशा परिवर्तन होगा। और यदि हम ये कर पाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हम सबके लिए, और मैं इसका हिस्सा स्वयं बनना चाहूंगी, चाहे UHV की टीम के माध्यम से हो या राज आनंद संस्थान के माध्यम से हो, अभी भी उसका हिस्सा हूं, और भविष्य में और जो ऐसे कार्यक्रम होंगे उनसे जुड़ूंगी और लोगों तक इसका प्रचार प्रसार फैलाव करने की पूरी कोशिश करूंगी, और स्पेशली अपने घर और अपने विद्यालय के उन बच्चों में तो पूरी कोशिश करूंगी, पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करूंगी। और मैं बार बार ऐसे कार्यक्रमों से जुड़ना चाहूंगी, और UHV की ये जो विधि है बहुत प्रभावी है, और मुझे बहुत अच्छा लगा इससे जुड़ के। और अंत में इस आपकी पूरी इस टीम को और राज्य आनंद संस्थान की टीम को, जिसके माध्यम से आज मैं जुड़ी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, दिल से हृदय से धन्यवाद देती हूँ आप सभी को, थैंक यू सर। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अनिल सिंह परिहार जी को, आपके पास माइक अवेलेबल है। जी 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 जी, आवाज आ रही है सर? जी आ रही, आ रही, स्वागत है आपका। जी सर, सर मैं रिटायर प्रिजन ऑफिसर हूं और सपना में रह रहा हूं इस समय, और राज आनंद संस्थान के माध्यम से आज मैं इस कार्यशाला में जुड़ पाया, उसके लिए सबसे पहले राज आनंद संस्थान को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, साथ ही UHV टीम को भी जो ये कार्यशाला को हम लोगों तक पहुंचाया, उसका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और हमें, मैं एज ए पार्टिसिपेंट कहूं, मैं विद्यार्थी के रूप में इस कार्यशाला को देखा और बड़े विश्वास के साथ और अनुशासन तरीके से मैंने 5 दिन की ये कार्यशाला सुनी समझी। इसमें कुल मिला के बहुत विषय थे, मानव की मूल चाहना, सुख समृद्धि, समाज संबंध और मानव चेतना से जीने की सामाजिक निहितार्थ, सही समझ, मानव संबंध, प्रकृति की बड़ी व्यवस्था में, इन तमाम चीजों के मैंने प्रस्ताव देखे, प्रस्ताव सुने, जांचे, परखे, समझे। और इसको समझने के लिए मैंने 2 बातें देखी जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा। जो मैंने समझा है, मानव के मूल्यों की पहचानने और जानने और समझने में जो सहज स्वीकृत बनती है, उस आधार पे मैंने देखा, सबसे पहले मैंने देखा संवेदना, जो हमारी कल्पनाशीलता है, कल्पनाशीलता में मानवता के आधार पे चलती है, सहज स्वीकृत के आधार पे, और संवेदना, ये आप लोगों ने बताया और हम लोग पूर्व से भी ये समझते रहे हैं कि ये संवेदना जो है ये भावावेश होता है। मैं थोड़ा सा प्रिजन जेल से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं यहाँ इस पॉइंट पे ज़्यादा रेस करूँगा कि हमारी कल्पनाशीलता में, हमारे विचार में, हमारी जो आशाएँ हैं, इच्छाएँ हैं, उसमें हम अगर संवेदना से और सुख और समृद्धि की ओर देखेंगे और समझेंगे तो बड़ा मुश्किल है, वो दुख की ओर ही ढकेलेगा और अपराध कराएगा, ये अपराध का बोध होता है। और इसी कारण से हमारे जेलों में इतनी भीड़ आई है, ये मेरी समझ में आया। इसी प्रकार का समझ है कि जो प्रक्रिया है, जो समझ को समझने के लिए, उसमें हम भावों को,
समझते हैं विश्वास से लेके प्रेम तक। विश्वास आधार मूल है, विश्वास के आधार पे हम चलते हैं और प्रेम तक पूर्ण मूल की पूर्णता पे पहुंच जाते हैं। जैसे अभी इसी कार्यशाला में चर्चा चल रही थी कि अनुसरण, छोटा बच्चा होता है जो सुनकर अनुसरण करता, कुछ जानने योग होता तो अनुकरण करता, फिर वो 10 से 10 या 14 वर्ष के बीच में जब युवा की प्रथम सोपान पे पहुंचता है तो वो थोड़ा सा समझदार होता है और स्वयं को पहचानने की उसमें आत्मशक्ति आती है और वो अनुशासन बनने के लिए तैयार हो जाता है। और वो स्वयं अगर अनुशासित हो गया तो उसकी लाइन बहुत अच्छी हो जाती है और आगे बढ़ जाता है। अगर वो वहीं से थोपे गए माता पिता संरक्षक और शिक्षकों द्वारा बताए गए रास्ते को अगर वो थोपना समझता और उसमें समझ नहीं आई, सह स्वीकृत नहीं आई, तो वो गलत रास्ते में चला जाता और अपराध की तरफ वो मुड़ जाता है। और अगर वो वहां समझ गया तो फिर वो अच्छे रास्ते में चल गया। और मैं तो और निरंतर ये बढ़ता रहा, सुनता रहा, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा क्योंकि बहुत से वक्ताओं को अभी आपको बोलना है। और मैं इस कार्यशाला से ये समझ रहा हूँ कि ऐसी कार्यशालाएं जेलों में हों जिससे बंदियों के चरित्र का निर्माण हो, वो जो भावावेश में अपराध कर बैठते हैं, आवेग में कर बैठते हैं, आवेश में कर बैठते हैं, वो न करें, ऐसे भाव उनमें आए, तो ऐसी मूल्यों को एक कार्यशाला जेलों में हो, मैं इसी मेरी अपेक्षा है आनंद संस्थान से और EHB टीम से, मैं यही प्रार्थना करूँगा। और मैं आशा भी करता हूँ कि ये कार्यशाला वहाँ संपादित होगी। थैंक यू, धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री शिरीष सुमन शर्मा जी को। नमस्ते, आपको माइक अवेलेबल है। नमस्ते भैया जी। नमस्ते, मेरा, नमस्ते। मेरा नाम शिरीष सुमन शर्मा है और मैं वर्तमान में राज्य आनंद संस्थान के अधीन शाजापुर जिले में डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लीडर के पद पर कार्यरत हूँ। UHV के साथ ये मेरा पहला परिचय है। पूर्व के सत्र में मैं अपरिहार्य कारणों से नहीं जुड़ पाया था। तो चार दिन के इस पिछले चार विगत चार दिनों में मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि ये है कि मुझे सही समझ और सही भाव के बारे में मैंने सोचना प्रारंभ किया है। कार्यशाला के दौरान भी लगभग सभी प्रस्ताव मेरे ध्यान में आए हैं। मानव चेतना के संदर्भ में समझ, संबंध और सुविधा की जानकारी भी प्राप्त हुई है। सहज स्वीकृति के भाव को विगत चार दिनों से मैं लगातार जी कर देखने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं और शरीर के सह अस्तित्व के बारे में भी सोचना का एक अनुभव प्राप्त हुआ है मुझे। कल्पनाशीलता क्या है उसकी सही जानकारी भी प्राप्त हुई है। और सबसे बड़ी बात की समृद्धि, जो मैं अभी तक ये समझता था समृद्ध व्यक्ति मतलब की खूब सारा पैसा है, बड़ा बंगला है, कार है, लेकिन समृद्धि का सही अर्थ क्या है ये जानने का मुझे इसमें जानकारी प्राप्त हुई है। और पहली बार मैंने जाना है कि वास्तविक समृद्धि क्या है। स्वास्थ्य के अंतर्गत भी आहार विहार श्रम औषधि उपचार का जो क्रम है उस पर भी मैं चिंतन किया है। और संबंधों के बारे में एक नई समझ प्राप्त हुई है कि किस प्रकार से विश्वास से प्रेम तक की यात्रा की जा सकती है। परिवार, समाज और विश्व परिवार प्रकृति की व्यवस्था में भी जानकारी प्राप्त हुई है। अस्तित्व, सह अस्तित्व और शून्य के बारे में भी आज संदर्भ आज के सत्र में जानने को मिला है। तो कुल मिला के सभी जो प्रस्ताव हैं, सभी कंटेंट के हैं, उसमें मैंने अपना चिंतन प्रारंभ किया है। और मुझे लगता है कि UHV की विषय वस्तु अपने आप में परिपूर्ण है। आज की वर्तमान जो ट्रेनिंग सेशन के में मुझे अनुभव हुआ है, किंतु क्योंकि ग्राम स्तर तक हमें ये मैसेज लेके जाना है तो इसमें मतलब मेरा सोचना ऐसा है कि पहले और दूसरे दिन के आधे दिन तक थोड़ा सा विषय वस्तु में अगर रोचकता सहजता की आवश्यकता है ताकि मेरे जैसे जो व्यक्ति हैं उनमें विचारों का संप्रेषण सही तरीके से हो सके, फिर धीरे धीरे दूसरे दिन के बाद अगर इसको हम गहराई में उतारेंगे तो वो मतलब मेरे दृष्टि में ज्यादा अच्छा पहुंच पाएगा। UHV में मेरी निष्ठा है और
यूएचवी के जो कंटेंट थे पिछले 4 दिनों में मेरी पूर्ण निष्ठा इस पर डेवलप हुई है। अब आगे क्या योजना बनाना है इसके बारे में अभी मैं कुछ अपने आप में सोच कर आगे इसकी योजना बना पाऊंगा। और समग्र मानव के स्तर पर विचारों के संप्रेषण हेतु बहुत सारे कार्य करना है अभी भी, और मैं इसके लिए अपने आप को तैयार मानता हूँ। थोड़ा सा बस ये सारी बातें हैं, और यूएचवी की जो टीम है और जो हमारे राज्य आनंद संस्थान के उन सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। और जब भी मुझे इस कार्य से जोड़ा जाएगा तो मैं बिल्कुल सहर्ष अपनी स्वीकृति देता हूँ। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद भैया। भैया एक बड़ा अच्छा शब्द लगा मुझे, तो मैं अभी यही बोलना प्रारंभ किया। पिछले 4 दिन से मैं घर में भी यही शब्द बार बार भैया भैया निकाल रहा हूँ, तो लोग घर वाले भी बोल रहे हैं कि आजकल आप भैया बहुत बोल रहे हो, तो आप लोगों का बड़ा मीठा लगता है। थैंक यू भैया जी। भैया धन्यवाद। और मैं एक सभी का एक बात पे और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अगर हमें ये बात भी सभी से पता लग पाए कि हम अपने में क्या जांच पाए हैं, अपने में क्या चीज देख पाए, क्या समझ पाए हैं, तो इसका सभी को सभी पे ध्यान आएगा। और सभी से अनुरोध है कि कंटेंट को एक बार स्क्रीन पे देखते हुए उस विषय पे जरूर बात रखें। तो भैया आपका धन्यवाद। और मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती अंबिका साहू जी को। जी आपके पास माइक अवेलेबल है श्रीमती जी? जी जी नमस्ते। नमस्ते दीदी। नमस्ते सर। सर मैंने ये यूएचवी प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा। इसमें मैं तो बस सोचती थी कि मैं हम ही माए हैं, लेकिन मैं और शरीर के जो अलग अलग करके आप लोगों ने समझाया ये मुझे बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया। और इसके अलावा भी बहुत सारे श्रम समृद्धि के बारे में जो बताया आप लोगों ने उसके बारे में भी अच्छे से समझ में आया। मैं वैसे भी समाज सेवा से ही जुड़ी हुई हूँ, जनअभियान परिषद से 6 साल हो गए मुझे जुड़े हुए, और राजानंद संस्थान से मुझे 15 महीने हो गए जुड़े हुए। तो राजानंद संस्थान की बातें मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं, मतलब इससे बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, अपने बारे में सीखने को मिलती है। इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता सब कुछ, मतलब जितने किताबी बातें नहीं होती, सारी चीजें प्रैक्टिकल होती है। और इसमें मानव मैं और जो शरीर के बारे में और सबसे लास्ट में जो मैंने शून्य के बारे में। दीदी आपकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई है, अगर थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा सकें। जी सर अब आ रही है? हेलो सर। हाँ जी आ रही है, अभी थोड़ा अभी ठीक है जी सर। इसमें स्वयं शरीर के सह अस्तित्व के बारे में जो आप लोगों ने हमें समझाया कि स्वयं का शरीर के साथ क्या अस्तित्व है, इसके बारे में भी हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आया कि स्वयं का शरीर से क्या स्थिति है। जब शरीर जो पहले जो बोलेगा, मन जो बोलेगा, शरीर वो करेगा। सर ये सारी चीजें मुझे बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई। सर थैंक यू। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी मुझे एक्सप्लेन करने में थोड़ी दिक्कत होती है। थोड़ा समझना चाहेंगे कि आपकी क्या निष्ठा बन रही है आगे के लिए, आपका क्या कमिटमेंट बन रहा है, अगर ये भी अगर आप बता पाए। जी सर बिल्कुल, क्योंकि मैं ये जनअभियान परिषद से जुड़ी हुई, इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं तो इसमें भी कार्यक्रम करने की सोचूंगी कि जो भी कार्यक्रम इसमें होगा तो मैं इसकी बातें उसमें शेयर करूंगी, और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मुझसे मैं उनको ये सारी जानकारियां बताऊंगी, और कोशिश करूंगी मैं ये अगले कार्यक्रम में मैं उन लोगों को जोड़ भी पाऊं। जी जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हमारे साथ हैं श्रीमती रुचि सचान जी, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, उनका स्वागत है। हेलो जी नमस्ते। जी सभी को नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार, आप सभी जिन्होंने वक्ताओं को सब नमस्कार, जिन्होंने इतनी अच्छी जानकारियां दी अभी तक मुझे हम लोगों को। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम रुचि सचान है
और मैं राजानंद संस्थान से भी जुड़ी हुई हूँ, साथ ही मैं अभी विकासखंड योग प्रभारी हूँ ग्वालियर में, और इसके साथ मैं थिएटर भी करती हूँ और कविताएं भी लिखती हूँ, डीआरजी भी हूँ, राज्य स्तर पर मास्टर ट्रेनर हूँ। लेकिन सबसे बड़ा परिचय मेरा यह है कि मैं एक प्राथमिक शिक्षिका हूँ, मतलब छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ। और मैंने अभी बच्चों से जो कुछ अभी तक सीखा वो यही है कि जो छोटे बच्चे हैं वो कई समझदार लोगों से ज्यादा अच्छी कला जानते हैं जीने की, मतलब खुश रहने के तरीके, जीवन जीने के तरीके शायद एक बच्चा आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकता है। तो उनके साथ जो खुशी मिलती है, सेकंड खुशी मुझे जो मिली है वाकई में जीवन जीने का तरीका जिसे कहते हैं, वो मुझे इस UHV के कार्यशाला में मिली। पता नहीं क्यों एकदम दिल से जुड़ाव हो गया, बहुत सी चीजें ऐसी थी जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता है, और कई मान्यताएं थी, कई पूर्वाग्रह थे जो टूट गए। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि जो लोग मतलब जीवन में अभी तक बहुत जिन्हें समझदार कहा जा सकता है, बुद्धिजीवी कहा जा सकता है, लेकिन जीने की कला इसलिए नहीं जानते क्योंकि शायद उनको पता ही नहीं है कि वो जो लोग वो लोग अभी तक करते रहे हैं वो सही था या गलत था। मैं इसे अपने स्तर पे भी कहूंगी, आपने जो व्यक्तिगत राय पूछी है कि क्या सुधार पाया, तो मेरे ख्याल से सभी लोगों की जो इस कार्यशाला से जुड़े अभी तक यही राय रही होगी कि हम लोगों को सबको मालूम है कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन हमें उसका एक खाका नहीं मालूम था, एक सिस्टम नहीं मालूम था। तो दीदी, आप मैं, सभी दीदी मैं एक मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा दीदी, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप अभी तक क्या चीज देख पाए हैं अपने में, अगर आज हम सभी मिलके अपने में क्या हुआ अगर ये बात को रख पाएंगे तो सभी के लिए लाभप्रद होगा। जी दीदी बिल्कुल सर, जी सर, तो मैं वही बता रही थी कि जो मैंने अपने अंदर देखा वो सिस्टम जो आप में ये सिस्टम था, इस सिस्टम के अंतर्गत जो आपने तरीका बताया, जैसे कि जैसे सही समझ और सही भाव अपने अंदर जान पाना, फिर मानना, फिर पहचान पाना, और अब बारी आई है हमारी निर्वाह करने की, अब उसको हम निर्वाह कैसे करते हैं जो हम लोग पहले नहीं समझ पा रहे थे, मतलब सहज स्वीकृति का भाव नहीं था, जैसे कुछ मान्यताएं थी, जैसे हम ज्यादा कपड़े पहनते, मतलब ज्यादा कपड़े खरीदेंगे तो हम शायद ज्यादा अच्छे दिखेंगे या लोग कहेंगे इनके पास बहुत सारे कपड़े हैं, आवश्यकता से अधिक जो हम लोग संग्रह कर रहे थे, ये चीजें, तो ये मान्यता टूटी है। इसके अलावा मेरी एक मान्यता ये भी कि आदेशात्मक जो रवैया रहता है, जैसे कि किसी को भी बच्चों को भी हम जानते नहीं है, मतलब अज्ञानतावश कर रहे थे, ये सिस्टम, मैं बस वही कहना चाह रही थी, जो सिस्टम आपने बताया ना कि ये पूरा इसको कैसे लागू करना है जीवन में, उससे हम ये समझ पाए कि आदेश देना हमें, हम ये सोचते हैं बच्चों को हम सिखा रहे हैं, लेकिन हाँ उसको दूसरे तरीके से प्रस्ताव के रूप में भी दिया जा सकता है, ये बहुत अच्छी बात सीखी। और एक चीज और देखा कि हम लोगों के अंदर संवेदनाएं जो है वो हावी हो जाती हैं, मतलब इतनी ज्यादा कि कभी क्रोध आ जाता है, कभी दूसरी चीजें हावी हो जाती हैं, तो हमने कभी इस दृष्टि से कभी भी नहीं सोचा था कि हर व्यक्ति की जो चाहना है वो दूसरे को सुखी देखने की है, यानी कि हम ये उनके योग्यताओं का मापन कर रहे थे, मतलब हो सकता है कि उसमें कम योग्यता हो इस चीज की, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो यही ये चाहते ही नहीं है कि वो हमें खुश रखे या रखना चाहे कोई भी हो। इसके अलावा जो प्रतिस्पर्धा वाली बात है और जीवन के संघर्ष, पहले दिन से अभी तक हम आज से दिन तक बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ऐसे शब्द थे जिनके लिए हम लोगों ने गलत राय बना रखी थी, जैसे कि जितनी चादर होते पांव पसारे जाए, या प्रतिस्पर्धा सोचते थे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, जीवन एक संघर्ष है, इस तरह की बहुत सी चीजें थी। अब प्रतिस्पर्धा में हम लोग अभी तक श्रेष्ठता नहीं देखते थे, मतलब हम ये सोचते हमारे साथ में जो आएगा उसको पीछे करना है, लेकिन श्रेष्ठता का भाव नहीं सोचा कि मतलब दूसरों को भी साथ लेकर के चलना है। इसके अलावा प्रेम के बारे में जो बताया, नौ भावों के बारे में जो बताया गया, उससे अपने अंदर परिवर्तन देख पा रहे हैं कि प्रेम को अभी हम एक सिर्फ एक शब्द समझते थे, हर एक को संबंधित समझने का जो भाव है वो प्रेम होता है, और उसका जो आधार स्तंभ वो विश्वास से शुरू होकर के किस तरह से प्रेम तक जाता है, ये बात बहुत ही गौर करने वाली है जो आप लोगों ने सबने हमें बताई। इसके अलावा मैं जो एक सुझाव देना चाहूंगी वो बस इतना सा है कि अभी जो भी कार्यशाला हुई, जैसे एक मैडम ने भी बोला कि कार्यशाला हर स्तर पर होनी चाहिए, तो सबसे पहले जो हमारे देश के कर्णधार हैं, हमारे बच्चे हैं,
हम चाहते हैं कि वहां से भी शुरू हो, इसकी शुरुआत हो और उनको भी ये चीज पता चले कि वाकई में जीवन जीने का सही तरीका क्या होता है। प्रेम आजकल जैसा कि बताया गया था इसमें कार्यशाला में कि फैशन के रूप में लोग भाग ले रहे हैं, तो आजकल 8th क्लास के बच्चों से लेकर के अभी तक यही मान्यता दिमाग में आ जाती है कि हाँ भाई इतने हो गए अब गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, बॉयफ्रेंड होना चाहिए। तो इस तरीके से प्रेम को उनको बताना चाहिए कि ये बेटा ये नौ भाव है। दीदी अनुरोध है संक्षिप्त में अगर रख पाए थोड़ा। जी तो इस कार्यशाला में जो हमने सीखा है वो चूंकि ऑनलाइन थी तो बहुत ज्यादा नोट्स नहीं बन पाए। मैं बस मेरा सुझाव इतना सा है कि अगर आप लोग जैसे ऑफलाइन भी इसको रखेंगे या ऑनलाइन भी रखें तो कुछ इतना ऐसा मौका दिया जाए जिससे हम लोग क्या है ये नोट्स तैयार करते जाएं, क्योंकि आप भी देख रहे होंगे कि अगर हम लोग इसको नोट्स बना के रखते हैं, आप लोगों ने असाइनमेंट दिए बहुत अच्छी बात है, लिखने से वो चीज बहुत दिनों तक दिमाग में रहती है, फिर उसका निर्वहन अच्छे से हो पाता है। तो एक तो सुझाव ये था, दूसरा सुझाव ये था कि हमारे स्कूलों दीदी 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 मेरा अनुरोध है ये सुझाव आप प्लीज फीडबैक फॉर्म के माध्यम से दे दीजिएगा। आज हम सभी को सुनना चाह रहे हैं इन बात पे अपने में क्या देख पाए हैं, है ना। तो दीदी मेरा ऐसा अनुरोध है कि उससे रिलेटेड अगर कुछ है तो आप रख के थोड़ा सा और को भी मौका मिल जाएगा। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद, वैसे तो मैं अपनी लगभग बात पूरी कर चुकी हूँ। जी 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 दीदी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। जी मेरा राजुल भैया से अनुरोध है, कुछ आपका हैंड रेज हुआ था भैया। हाँ नहीं अच्छा है, सब लोग अपना शेयर कर रहे हैं तो जी अच्छी बात है। उसमें ये जरूर ध्यान रखें कि हमको क्या समझ में आया है उसको रखें, सिर्फ उसका मतलब फॉर एग्जांपल किसी को विश्वास समझ में आया तो यही ना बोलें कि विश्वास समझ में आया, बट उसमें क्या समझ में आया वो भी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और पर्टिकुलरली कुछ अपने प्रयोग कर पाए हैं इन 5 दिनों में तो उसको भी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और दूसरा है कि जो लोगों ने अपने परिवार के साथ में इस वर्कशॉप को सुना है तो बाकी परिवार के लोग भी अगर अपना मूल्यांकन रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जी भैया बिल्कुल जी। हाँ। जी तो हम में से अगर परिवार में भी अगर सुना गया है और कुछ बात अगर उन्होंने भी अपने में जांच पाए तो अगर वो भी रख पाए तो ये बहुत सभी के लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ अगर हम अपने में क्या देख पाए अगर इसको थोड़ा माइन्यूट लेवल पे बता पाए तो ये सभी के लिए उपकारी रहेगा। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा गणपत लाल जी को। जी नमस्ते, आपके पास माइक अवेलेबल है। जी जी तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती ज्योत्सना मालवीय जी को, आपके पास भी माइक अवेलेबल है। जी सर जी बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे माइक देने के लिए, मैं कब से इंतजार कर रही थी मेरा नंबर कब आएगा। मैं जी 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 सॉरी सर। सर ये मेरा नाम ज्योत्सना मालवीय है और मैं जिला झाबुआ से बिलोंग करती हूँ। हाई स्कूल टीचर हूँ, 9th-10th के को एजुकेशन स्कूल में पढ़ाती हूँ जहाँ चारों वर्ग के बच्चे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों कास्ट के बच्चे एक ही क्लास में। सोशल साइंस पढ़ाना मेरे लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है लेकिन मैं उसे अपनी निष्ठा से पूरी अच्छे से निभाने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू सर। सर जैसे कि पहला है कि मैं इस 5 दिनों की कार्यशाला में अपने अंदर क्या बदलाव कर पाई या क्या सीखा मैंने, तो सर सबसे पहले तो मैं निष्कर्ष रूप में एक शब्द में अगर कहूँ तो ये 5 दिनों की कार्यशाला मेरे लिए कुंडलिनी जागृत करने वाली कार्यशाला रही। मैं और शरीर मतलब मैं स्वयं से मेरी पहचान करना मैं खुद को नहीं जान रही थी कि मैं क्या हूँ। जैसे कि एक उदाहरण के रूप में कहूँ कि जैसे मैं और हस्बैंड दोनों जॉब में हैं, हस्बैंड स्कूल से आते थे तो मैं है ना मतलब वो अगर किसी भी बात उनकी कोई बात होती थी तो मैं उनसे बहस हो जाती थी कभी कभी, ऐसे ही उनकी बात नहीं मान लेती थी तो मुझे लगता था कि मैं क्यों पहले से मतलब अपनी सहज स्वीकृति दे दूं, मैं कोई गुलाम थोड़ी ना हूँ, ऐसा मेरा सोच था। लेकिन मैं इस कार्यशाला में अपने अंदर मैंने ये बदलाव पाया, मैं दूसरे ही दिन से मैंने कोशिश की कि मैं ऐसा नहीं करूंगी,
मैं सोचूंगी कि पता नहीं वहाँ क्या परिस्थिति रही होगी, वो किस माहौल से घर लौटे हैं और उनके साथ यहाँ घर के बाहर क्या हुआ होगा, कैसे लोगों से मिले होंगे, उसके बारे में पहले सोचूंगी, तब मैं उनसे फिर कोई सवाल या जवाब या कोई बात कहूंगी, अन्यथा बस अपना कर्तव्य अच्छे से निभाने की कोशिश करूंगी। मतलब मैं ये थी कि मैं अपना कर्तव्य निभाने से पहले सामने वाले से अपेक्षा रखती थी, जो कि बिल्कुल गलत था, और इस कार्यशाला से मेरे अंदर ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। और सेम ऐसा ही मैं अपने बच्चों के साथ भी हो रहा था कि मैं उन्हें होमवर्क देके जाती थी और आ करके सीधे उनकी कॉपी पे मेरी नजर जाती थी कि उन्होंने किया या नहीं किया, और ये रहता था कि मैं उनका खाना निकाल के जाती थी तो खाया कि नहीं खाया। लेकिन अब ये है कि मैं स्कूल थोड़ा अल्पविराम पहले भी लिए है लेकिन मैं उसे फॉलो नहीं कर रही थी, ये हो रहा था। मैं 2017 से आनंद संस्थान से जुड़ी हूँ, लेकिन या तो ये हुआ कि मैंने केवल सुना है और सीखा नहीं था तो उसे फॉलो नहीं किया था, या अपने अंदर उसको उतारा नहीं था, लेकिन ये 5 दिनों की कार्यशाला ने मेरे जीवन को 70% तक बदल दिया। 30% अभी कोशिश मुझे और करते रहूंगी तो वो 100% जाएगा, अभी मैं 30% नहीं कह रही हूँ। अभी परिवार के रूप में कहा, एक मानव के रूप में मेरे अंदर जो परिवर्तन आया, और समाज में मैं जैसे कि स्टाफ में ही देख लूं, सामने से अगर कोई व्यक्ति लेट आ रहा था तो मैं उससे चिढ़ जाती थी कि तुम लेट आए हो तो अपना टाइम वही डालेंगे, तो लेकिन मैं बिल्कुल नहीं सोचती थी कि सामने पता नहीं उनका ऑटो लेट आया होगा। मतलब मैं हमेशा एक तरह से कह दूं कि मैं गुस्से में रहने वाली रह रही थी, गुस्सा कर रही थी, जो कि अब मुझे शांत रह करके सोच के फिर सामने वाले के मतलब उसको समझ करके ही उस पल को हैंडल करना है, ऐसा मैं कोशिश कर रही हूँ। और मैं अपने विचारों में मैंने बहुत परिवर्तन देखा है कि मैं स्वयं में अपने आप में इतना मैं अपने अंदर इतना परिवर्तन कैसे लाई, मैं जैसे खान पान का स्वास्थ्य के बारे में बताया और सर ने जब एक एग्जाम्पल दिया ना कपड़ों की गिनती करना, तो मैंने वाकई जब कपड़ों की गिनती की और वो तो केवल जो लॉकर के कपड़े थे उन्हीं को, बाकी मैंने जब अपनी बिस्तर पेटी को खोला और विंटर सेशन के रेनी सेशन के जो कपड़े गिने तो मेरी आंखें चौंधिया गई कि मैंने क्या किया है। मतलब ये पूरा एक मतलब ऐसा लग रहा था कि कम से कम 10 लोगों के कपड़े मैंने अकेली ने खुद के लिए इकट्ठे करके रखे हैं, जो कि बहुत गलत बात है, और मैंने प्रण किया है कि मैं अगले 1 या 1.5 साल तक कोई कपड़ा नहीं खरीदूंगी। थैंक यू सो मच सर, और आगे मैं ज्यादा बात लंबी को नहीं करते हूँ। संभावना में यह देखती हूँ कि UHD का जो प्रोग्राम ये हुआ है ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है, और अगर हमने इस प्रोग्राम को कंटिन्यू धीरे धीरे ही सही लेकिन कंटिन्यू गांव स्तर से शुरू करते हैं तो ये हम विश्व स्तर तक पहुंचने और पूरे विश्व को पहले तो अपने देश को एक खुशहाल देश बनाने में हमें समय लगेगा लेकिन हम जंग जीत जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। मैं नारी शक्ति संगठन से जुड़ी हुई हूँ, भारतीय स्त्री शक्ति संगठन से, तो मैं अभी एक सर्वे के लिए गांव में गई थी और मैंने 4-5 महिलाओं को अलग से बुला करके ऐसी थोड़ी सी बात की, तो वाकई में गांव स्तर में महिलाएं खेत में काम कर करके बहुत ज्यादा केवल उनकी एक जिम्मेदारी बन करके रह गया है उनका जीवन, जो कि नहीं होना चाहिए। उन्हें खुद के लिए खुद की सोच थोड़ी सी बदलाव लाना जरूरी है, और अगर हम जैसे लोग यहाँ झाबुआ जिले में आदिवासी जिले में रह करके अगर हम गांव स्तर से महिलाओं के या ग्रामीण क्षेत्र के जो भी लोग हैं उन तक इस चीज को पहुंचा पाए तो ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, और मैं चाहूंगी कि मैं अपने इस जीवन में इस उपलब्धि को हासिल करूं। और आगे अगर मैं कोई योजना बनाती हूँ तो मेरी योजना यही रहेगी कि मैं छोटे स्तर से ही सही लेकिन राज्य आनंद संस्थान से जुड़ी रहूं, आगे आपके साथ मिलकर के काम करने का मुझे मौका मिले और आपके निर्देशों के आधार पर मैं जो भी बन सकता है जिस तरीके से भी आप निर्देशित करें या मैं अगर अपने स्तर से कोई योजना बना पाऊं तो मैं बिल्कुल वो कार्य करती रहूंगी। और सर स्कूल लेवल पे तो मैंने राज्य आनंद संस्थान का मतलब एक बैनर बनवा भी रखा है, और मैं जब स्कूल चालू थे तो बच्चों के साथ छोटा छोटा प्रोग्राम डांस प्रोग्राम या नाटक प्रोग्राम के जरिए उन्हें हंसाने या उन्हें नचाने का मौका ढूंढ लेती थी और उन्हें खुद से खुद का परिचय करवाने का मौका ढूंढती थी, और घंटों क्लासें चलती थी और बच्चे बोर नहीं होते।
थैंक यू सो मच सर, मैं अपनी बात को यही विराम देती हूँ। जी 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 दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री राजीव भार्गव जी को। नमस्कार भैया जी। नमस्ते। नमस्ते भैया। सभी को नमस्कार। आपने जो तीन चीजें पूछी हैं उसमें पहले बारे में ये कहना चाहता हूँ कि पांच दिवसीय कार्यक्रम में मैंने सहज स्वीकृति से ये जाना कि जो भी नई चीजें आपके चीजों से मिली हैं, जैसे संस्कार है, सुविधा है, समाज में जीने की कला है, इन सब चीजों पे मैं ध्यान दूंगा। चूंकि मेरी पहली कार्यशाला है तो पहली कार्यशाला में ये चीजें मुझे ज्ञात हुई हैं और इन्हें बहुत अच्छे से आगे भी सीखूंगा और आपकी जितनी और कार्यशालाएं होंगी उसमें भी मैं आगे सीखने का सोचूंगा, रखूंगा विचार। दूसरा आपके जो आर विहार के बारे में बताया गया था, आर विहार का परिवर्तन मैं शुरू से कर रहा हूँ और उसके बाद अभी और दृढ़ता से करूँगा। और अन्य चीजें जो आपके द्वारा बताई गई हैं उनका मैं पालन करूँगा। दूसरे जानकारी आपने ली है कि इसमें क्या संभावना देखना चाहता हूँ, देखता हूँ तो इसमें मैं, मेरा विचार ये है कि मैं सबसे पहले स्वयं में ही परिवर्तन करूंगा। अपने में अगर परिवर्तन कर लूंगा तो फिर समाज और परिवार में परिवर्तन कर पाऊंगा। तीसरा आपका जो उद्देश्य है उसमें मेरा कहना यह है कि मैं राज आनंद संस्थान और UHV के माध्यम से जो भी मेरे से सहयोग होगा उस सहयोग को मैं आगे जन जन तक फैलाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा। मेरा नाम राजीव भार्गव है, जो परिचय मैं नहीं दे पाया था। मैं विदिशा से हूँ। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट भी हूँ, किसान भी हूँ और समाज सेवा का कार्य करता हूँ। राज आनंद संस्थान से जुड़ा हूँ। मैंने राज आनंद संस्थान के तहत एक सर्वोदय आनंद क्लब का गठन किया है जिसमें मैं समाज सेवा के कार्य और शासन की नीति के तहत होने वाले कार्यक्रम को करता हूँ। इतना आप सब लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। जी 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 नमस्ते। बट हम ये एक थोड़ा सा जानकारी चाह रहे हैं आपसे कि अभी बहुत सारे प्रस्ताव रखे गए स्वयं के, परिवार के, समाज के, प्रकृति के, आपको उनमें से क्या चीज आप देख पाए, अपने में जांच पाए, कौन सा प्रस्ताव? मुझे उसमें आपके जो प्रस्ताव रखे गए हैं उसमें मुझे सबसे अच्छा प्रस्ताव ये लगा, मैं और शरीर के को यदि अपन सुधार लेंगे स्वास्थ्य और योग और अन्य चीजों से, तो हम सुधर जाएंगे तो प्रकृति को भी, मैं भी जो प्रकृति को भी सुधारने की व्यवस्था करेंगे। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती सुनीता शर्मा जी को। नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया। स्वागत है। मैं, मेरा नाम सुनीता शर्मा, मैं माध्यमिक शिक्षक हूँ उत्कृष्ट विद्यालय पनागर जबलपुर में। और इससे पहले भी मैं आनंद संस्थान से जुड़ी रही हूँ और इस UHV शिविर के माध्यम से मेरी ये व्यक्तिगत उपलब्धि ये रही सर कि मैं खुद को समझ पाई हूँ। कई स्तरों पे मैं खुद को समझ पाई हूँ और जो मेरा और प्रकृति के साथ मेरा संबंध है इसको मैं पहले से बेहतर जान पाई हूँ। मैं ये समझ पाई हूँ कि जैसे मैं प्रकृति को प्रभावित करती हूँ, प्रकृति भी मुझे प्रभावित करती है और हम दोनों आपस में सह अस्तित्व के साथ ही जीवन यापन कर सकते हैं और यही सुख और समृद्धि का मूल आधार है जो मैं समझ पाई हूँ। और ये परिवर्तन मैंने अपने में देखा है। शिविर से पहले शायद मैं इस चीज को उस गहराई के स्तर पर नहीं समझ पाई थी जिस स्तर पर इस शिविर के बाद में समझ पाई सर। और जो UHV की विषय वस्तु और प्रक्रिया, इसमें मैं क्या संभावना देखती हूँ तो सर इसमें बहुत संभावना है। अगर मैं एक शिक्षिका के रूप में, एक व्यक्तित्व के रूप में देखती हूँ तो ये जो कंटेंट है ये मुझे प्रभावित करता है। इस कंटेंट को जब मैं जान जाती हूँ, मैं अपने जीवन में उसका प्रयोग करती हूँ और उसकी सत्यता की जाँच कर पाती हूँ तो मैं एक शिक्षक के रूप में अपने विद्यार्थियों को भी चाहूंगी कि वो भी उस स्तर को प्राप्त करें
और जीवन में सुख और समृद्धि की वास्तविकता क्या है, वास्तव में सुख और समृद्धि क्या है और उसको कैसे जीना चाहिए, वो चीज में उन तक भी पहुंचाने में सफल हो पाऊंगी। और वो विद्यार्थी अगर इस चीज को समझ जाते हैं तो वो अपने परिवार में और समाज में भी इस तरह का चेंज लाने का प्रयास करेंगे और एक गुणात्मक प्रभाव जो है वो हमारे समाज पर पड़ेगा। तो ये मैं संभावना देखती हूँ मेरे व्यक्तिगत स्तर पर, मेरे परिवार के स्तर पर भी, समाज के स्तर पर भी और प्रकृति के स्तर पर भी। आगे आपने पूछा है कि यूएचबी कार्य में मेरी निष्ठा और मेरी आगे की योजना क्या है। तो सर मेरी योजना तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, मैं कोशिश करूंगी क्योंकि मैं एक बीएसडी संस्थान है भारत सोका गकाई उससे भी जुड़ी हुई हूँ और ये संस्था भी ह्यूमेनिस्टिक यानी कि मानवतावादी सिद्धांत पर ही काम करती है। तो जब ये शिविर चल मतलब जो बातें आप लोग बता रहे थे तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को उन बातों से कनेक्ट कर पा रही थी और अपने आप को अब पहले से ज्यादा मैं बेहतर करने की स्थिति में आ गई हूँ सर। थैंक यू सो मच सर। जी जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और अब मैं आगे बुलाना चाहूंगा श्री हेमंत निगम जी को। सर आवाज सुनाई दे रही है? जी नमस्ते भैया जी, आ रही। नमस्कार सर, मेरा नाम हेमंत निगम है, मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ, हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर में गवर्नमेंट सप्लाई में डील करता हूँ और वैसे मैं समाज सेवा से जुड़ा हूँ आनंद विभाग से लास्ट 4 ईयर से। 2017 में मैंने आनंद विभाग को ज्वाइन कर लिया था और आनंदम सहयोगी की ट्रेनिंग लेके और दूसरे अल्पराम वगैरह की ट्रेनिंग लेके, उसके लिए मैं सबसे पहले सभी आनंद विभाग के लोगों का धन्यवाद करूंगा कि अखिलेश अर्गल जी हैं, हिमांशु जी हैं, उन्होंने इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी मुझे, सबसे पहले खुद से जोड़ा जिससे मेरे जीवन में परिवर्तन आया और मैं समाज के क्षेत्र में काम कर पाया। वरना मैं पहले जो अपना जीवन जी रहा था वो स्वयं के लिए और फैमिली फ्रेंड के साथ लाइफ को एंजॉय करता था, लेकिन जब मैं जुड़ा तो मुझे लगा कि नहीं कहीं ना कहीं मैं गलतियां कर रहा हूं और मुझे जो मेरा जो जीवन है वो उतना आनंद में ही नहीं है जितना होना चाहिए। तो जब मैं जुड़ा तो मुझे लगा कि नहीं, ये भी एक क्षेत्र है, ये भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ मुझे काम करना चाहिए कि मैं, मेरी जो फैमिली है, जो मेरा बैकग्राउंड है वो एक समाज से ही है। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने भी कभी मुझे मैसेज दिया था कि बेटा जिंदगी में जो भी कुछ करो लेकिन एक समाज के लिए अपना योगदान जरूर देना, बट मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। जैसे ही आनंद विभाग एक प्लेटफॉर्म मिला, मैंने सोचा कि जब सेवा ही करनी है तो अपनी संस्था क्यों खोलूं, हमें सेवा ही करनी है तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से हम जुड़ के काम कर सकते हैं। तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगा आनंद विभाग का जहां मैं जुड़ पाया, जिन्होंने मुझे स्वयं से जुड़ा और मैं आगे बढ़ पाया। हर प्रोग्राम हर ट्रेनिंग कहीं ना कहीं मैसेज देती है, कहीं ना कहीं हमको एक सीख मिलती है आगे बढ़ने के लिए और हर प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम से डिफरेंट होता ही है क्योंकि विषय अलग ही होता है। तो हमेशा सीखने को ही मिला अल्पविराम से भी, आनंद विभाग से भी, मैं अपना क्लब भी खोल पाया, आज यूएचबी का प्रोग्राम जो मैंने अटेंड किया इस प्रोग्राम से, तो सर मेरी पूरी लाइफ, मुझे लग रहा है कि आगे आने वाली लाइफ मेरी पूरी चेंज हो जाएगी। जो अभी तक थी वो चेंज थी काफी, मैं समझता था उन चीजों को, लेकिन जो यूएचबी के प्रोग्राम ने मुझे, जो ह्यूमन वैल्यू का प्रोग्राम था, इसमें जो मेरे को लग रहा है जो चेंजेस आएंगे, मैंने इम्प्लीमेंट भी किए, कल से ही इम्प्लीमेंट करना इसमें शुरू किया मैंने, उसमें काफी चेंजेस आएंगे। मैं कभी भी सर आपको फ्रेंकली बताऊं, कभी भी मैं जो था सही समझ तो थी लेकिन मूल्यांकन नहीं करता था कभी भी चीजों का, तुरंत डिसीजन ले लेता था, समझ अपनी समझ के अनुसार एकदम से डिसीजन ले लिया और उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, चीजों का मूल्यांकन नहीं करता था और आगे नहीं बढ़ता था, उसका निर्वाण तुरंत कर लेता था। अब मुझे समझ में आया पहले सही समझ की जरूरत है, उसके बाद उसका सही मूल्यांकन की जरूरत है, फिर हम उसको निर्वाहन करें, उसको हम जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें, जल्दबाजी में कोई काम ना करें जिससे कि हमें बाद में पछताना पड़े। तो पहली चीज तो मैंने ये चीज सीखी यूएचबी के प्रोग्राम से कि हमको सही समझ के साथ सही मूल्यांकन करके ही उसका निर्वाहन करना है और उसमें स्वयं स्वीकृति फिर हमारी हो ही जाएगी उस बारे में। तो जो यूएचबी ने कार्यक्रम किया उसने हमको डिफरेंशिएट समझाया चीजों का, भौतिक संसदाय क्या है, सुख क्या है, मैं क्या है, शरीर क्या है, स्नेह क्या है और प्रेम क्या है, ये सब चीजों का जो आपने डिफरेंशिएट करना बताया, मैं कई चीजों को मिक्स करता था इसमें, मैं सोचता ठीक है स्नेह और प्रेम बात एक ही है, लेकिन आपने बताया कि नहीं इसमें अलग है, प्रेम अलग है, मैं और शरीर, जो शरीर है वो एक मात्रा में जरूरत होती है चीज को और मैं है वो अलग है, उसके 9 प्रोग्राम्स हैं जो भी आपने हमको बताए उसमें हमको काम करना है। तो ये डिफरेंशिएट किया तो इससे चीजें जो किए हैं आपने मेरे अंदर इस यूएचबी के प्रोग्राम से, वो काफी कुछ फिल्ट्रेशन का काम किया है, चीजें फिल्टर हुई हैं मेरे अंदर
और फिल्ट्रेशन से सारी चीजें अब क्रिस्टल क्लियर हो रही है मुझे कि अब मुझे कैसे काम करना है। जैसे मैंने कल ही इम्प्लीमेंट किया कि मैं 7 दिन पहले एक मेरे घर में रेलिंग लगनी थी स्टील के, मैं ऑर्डर देके आया था 300 रुपए किलो के हिसाब से, लेकिन आज मैं जब उसके पास गया तो मैंने उसका मूल्यांकन किया वहां जाके सही समझ से कि ये जो 300 रुपए किलो का मैं इसको स्टील की रेलिंग का ऑर्डर देके आया उसके पास 200 भी अवेलेबल थी, मैंने 200 का भी देखा उसको, मैंने कि बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। अब मैंने ये नोटिस किया कि मुझे आवश्यकता कितने की, क्या मेरा काम 200 में भी चल सकता है या 300 में ही चलेगा, तो मैंने देखा कि मेरा काम 200 में भी चल रहा है। तो मैंने सही समझ से सही मूल्यांकन करके वहां पर जो 100 रुपए का डिफरेंस था वो मैंने पैसे बचाए और उसको उस हिसाब से पैसे दे के आया कल वो मेरे की। अब जो पैसे बचे मैंने उन पैसों से, चूंकि समाज के क्षेत्र में काम करता हूँ, उस पैसों से मैंने बच्चों के लिए बैग खरीदे जो मेरे को डोनेट करने हैं अभी 2 दिन बाद, वो मेरे प्लानिंग में था कि अलग से मैं वो डोनेट करूंगा, लेकिन अब जो मैंने अपनी सही समझ से और सही मूल्यांकन करके बचाए उसी पैसों में से वो चीज आ गई। तो दिक्कत कहाँ आ रही थी मुझे, मुझे दिक्कत ये आ रही थी मैं मूल्यांकन नहीं कर पा रहा था अपनी सही समझ से तुरंत डिसीजन लेना, क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है जो मैंने मेहनत से कमाया, समृद्ध हूं थोड़ा सा कि ठीक है दिक्कत नहीं है, लेकिन आवश्यकता कितनी है और उन पैसों का सदुपयोग कैसे किया जाए वो मैं नहीं कर पाता था। इस प्रोग्राम से मुझे काफी चीज सीखने को मिलेगी। दूसरी चीज मैंने परिवार पे भी कल से हमने उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। आपने कहानी एक एग्जाम्पल दिया था कि जो बच्चे डेट से होते हैं उसमें आपने कानपुर का एग्जाम्पल दिया था, कोई आपकी प्रोग्राम हुआ था उसमें उसने बोर्ड बनाया घर में कि कौन कितने बजे उठता है सब लिखें उस पे। तो ये चीज कल रात में ही मैंने पहले अपने बच्चों को बोल दी कि कल सुबह सब अपना टाइम लिखेंगे, वेकअप का टाइमिंग क्या है। तो सबसे पहले मैंने खुद उसमें उठ के अपना टाइम लिखा, फिर मेरी वाइफ ने लिखा, फिर मेरी बिटिया ने लिखा और सबसे एंड में बेटा जो सबसे लेट उठा उसने लिखा। तो जब मेरा बेटा जब 11:30 बजे उठा रात में गेम वेम खेल के लेट उठा तो उसको कहीं ना कहीं ये रियलाइज हुआ, तो मेरे से कहता पापा क्या 11:30 बजे मैं उठाऊं तो मैं तो 4th नंबर पे आ गया। मैंने कि बेटा इसमें नंबर वाली कोई बात नहीं थी, जस्ट हम अपना टाइमिंग ओपन करके यहाँ लिख रहे हैं कि हम कितने बजे उठे। अब तुमको कहीं ना कहीं कुछ लग रहा है कि हाँ पापा मुझे लग रहा है कि मैं बहुत लेट उठा। तो मैंने कि बेटा इसको तुम कम भी कर सकते हो, तुम जल्दी भी उठ सकते हो, तुम कोशिश करो उठ लोगे। तो जो आपने हमको कल सिखाया मैंने इमीडिएट उसको इम्प्लीमेंट करके टेस्ट करने की कोशिश की कि ये सही है, अपनी सही समझ से मैं कुछ कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, या जो मैंने सीखा वो ऐसे ही है सब। तो हमने जो उस चीज को जाना समझा परखा फिर हमने उसको इम्प्लीमेंट किया तो हमने पाया कि कहीं ना कहीं ये चीजें सही हैं। आपने चीजों को जो डिफ्रेंशिएट किया और चीजों में अंतर बना उससे चीजें मेरी क्रिस्टल क्लियर हुई है और मैं सोच रहा हूँ इस पर मैं और अच्छे से आगे काम कर पाऊंगा। सबसे कल हमने फिर अपने प्रोग्राम लीडर से भी बात की थी कि हम अपने जिले में इस प्रोग्राम को कैसे और इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे हम अभी अल्पराम का प्रोग्राम लेते हैं तो हम UHV के प्रोग्राम्स को भी कैसे आगे बढ़ाएं। तो कल हमने डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लीडर से भी बात की थी, हम लोग यहाँ 3-4 कई आनंदम सहयोगी हैं जो हम अल्पराम पे काम करते हैं, तो हमारा ये प्लान है कि हम आपके प्रोग्राम को भी उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट है अल्पराम से, ये ह्यूमन वैल्यू पे है, हम इससे पूरे उसकी जो विकास है इंसान का वो उसको बढ़ा सकते हैं, उस क्षेत्र में काम कर सकते हैं जिससे वो कि वो आगे बढ़े। पूरी लाइफ चेंजेज वाला प्रोग्राम है जो मुझे लगा कि इससे पूरी इंसान की जिंदगी बदल सकती है अगर वो इस पे काम करे तो। तो हमने से पूरी प्लानिंग करी है कि हम आज की कार्यशाला खत्म हो जाने के बाद इस पे हम काम करेंगे और इस प्रोग्राम को लेंगे। अब हमें इसमें डेटा कैसे मिले, आपका PDF कैसे मिले वो हमें देखना है, हम प्रोग्राम लीडर से अपने बात करेंगे कि हम क्या इसमें अपना इनपुट देके और किस तरह से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें हम जरूर काम करेंगे। थैंक यू सर। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद और काफी प्रेरणादायक प्रयोग आपने करे हैं और ये सभी के लिए प्रेरणादायक हैं और मटेरियल के सेंस में सारा मटेरियल राज आनंद संस्थान का पास अवेलेबल कराया जाएगा और साथ ही साथ AICT के वेबसाइट पे भी अवेलेबल रहेगा। तो बहुत ही बढ़िया आपका बहुत ही अच्छे प्रयोग हैं, प्रेरणादायक हैं। तो रिफ्लेक्शन की ओर आगे बढ़ने के पहले सुबह जो चर्चा बनी थी और उसमें ये बात निकल के आई थी कि राज आनंद संस्थान की ओर से सेकंड हाफ में ये बात रखी जाएगी, तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर अखिलेश अर्गल जी को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी राज आनंद संस्थान मध्य प्रदेश से, कि वो अपना मार्गदर्शन सभी के लिए रखें क्योंकि सुबह के हाफ में ये बात रखी गई थी कि सेकंड हाफ में अपना मार्गदर्शन रखेंगे। जी धन्यवाद भैया, सभी को नमस्कार। मैं भैया 5-7 मिनट ले सकता हूँ, 5 मिनट करीब।
नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल जी 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 मैंने इसीलिए जल्दी करा, आराम से 10 मिनट भी ले सकते हैं। जी 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 तो मैं वर्ष अक्टूबर 2018 से राज्य आनंद संस्थान से जुड़ा हुआ हूं, और क्योंकि यहां पर एक प्रेरक की भूमिका में हूं, तो मैं सबसे पहले भैया आपने जो मैंने जो अपने स्वयं के अनुभव हैं जो मैंने नई मेरी उस पर थोड़ी सी बात रखूंगा, फिर अपने साथियों के साथ बात। मैं राज्य आनंद संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ अक्टूबर 2018 से, तो थोड़ी बहुत समझ निश्चित तौर पे विकसित हुई थी क्योंकि प्रेरक की भूमिका में था, तो वो समझ जरूरी भी थी अपने लिए भी और संस्थान के लिए भी। तो मुझ में समझ थी, अनुभव था कि शरीर और जो मैं हैं वो अलग हैं, और यह भी समझ थी कि पैसा, सुविधाएं, सफलता हमारी खुशी के स्थायी आधार नहीं है। यह भी अनुभव में था कि हमें अगर खुश होना है तो सेल्फ पे काम करना पड़ेगा, मैं पे काम करना पड़ेगा, और जब हम मैं पे काम करते हैं तो द्वेष, घृणा, क्रोध, निगेटिव भावनाएं बाहर निकलती हैं, और हमारे अंदर प्रेम, करुणा और ये जो पॉजिटिव जो हमारी फीलिंग्स हैं वो उभर कर आती हैं। लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान बहुत सारे क्षेत्रों में मेरी समझ बढ़ी है, मेरी शरीर की जो सीमित आवश्यकता की समझ है वह बढ़ी है, हमारी जो माइंड चैटरिंग के स्रोत हैं यह तो मालूम था कि हमारे अंदर माइंड चैटरिंग है और वही सारी समस्याओं का कारण है, लेकिन उसके स्रोतों में स्पष्टता आई है, सेल्फ की आवश्यकता में स्पष्टता आई है, मेरी जो सह अस्तित्व की समझ है उभय सुख और उभय समृद्धि की समझ है इसमें थोड़ा सा विकसित हुई है समझ, इस पर शायद उतना ध्यान नहीं था। समृद्धि शब्द की नई थोड़ा सा समझ और स्पष्ट हुई है, और प्रस्ताव के रूप में यद्यपि मैं रख रहा था, अब ये भी मेरा आनंद संस्थान में आने के बाद का बदलाव था प्रस्ताव के रूप में अपनी बात रखने का, लेकिन इसमें और स्पष्टता आई है, इसमें और समझ बड़ी है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो मूल है और जो कि हमारे सारे कार्यक्रमों का आधार भी बन सकती है, कि सामने वाला व्यक्ति भी वास्तव में पहले व्यक्ति की सुखी और समृद्धि चाहता है, यह भाव लाना बहुत जरूरी है, और शायद कहीं ना कहीं यह भाव मिसिंग था, और हम शायद उसकी जो योग्यता की कमी है उसको इस तरह से देख पा रहे थे कि यह उस व्यक्ति में भाव की कमी है। और जिन 9 भावों पे चर्चा हुई है उन पर भी समझ बड़ी है, स्पष्टता आई है, और सह अस्तित्व का जो विषय है उस पर काफी गहराई से चर्चा हुई है, समझ बड़ी है। मैं अपने सभी साथियों का, ये मेरी अपनी समझ के बारे में था, अब मैं थोड़ा सा अपने साथियों की तरफ मुखातिब होना चाहूंगा कि आप लोगों ने 5 दिन का समय जो इस कार्यक्रम के लिए दिया है उसके लिए मैं आपका सभी का आभारी हूं, साथ ही मैं आभारी हूं UHV टीम का, AICTE का, जिन्होंने 5 दिन इस कार्यक्रम के लिए दिए। और वास्तव में ये 5 दिन का जो समय हमें दिख रहा है ये पर्दे के सामने दिखने वाला समय, पर्दे के पीछे इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करने के लिए वर्षों की मेहनत, विषय वस्तु को जानना और व्यवहार में लाना जुड़ा हुआ है, और इसके लिए मैं हृदय से पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों आपने देखा होगा कि इस कार्यक्रम को कितने सहज ढंग से सरल भाषा में हम लोगों तक पहुंचाया गया है, आपने फैसिलिटेटर्स की विषय वस्तु पर गहराई को अनुभव किया होगा, और यह भी देखा होगा कि विषय वस्तु ने मानवीय मूल्यों के हर पहलू को टच किया है। हम इतनी पवित्रता के साथ अपनी बात तभी रख पाते हैं जब हम उन मूल्यों को जीवन में उतार लेते हैं, जब हम उन मूल्यों को जीते हैं। और आपने अनुभव किया होगा कि जो हमारे फैसिलिटेटर थे वे वास्तव में उन मूल्यों को जीवन में पूरी तरीके से उतार चुके हैं, और जब हम जो हम लोग श्रेष्ठ मानव की परिभाषा देख रहे थे शायद सभी लोग उस कैटेगरी में हैं। मैं नहीं समझता हूं कि चर्चा के दौरान
आप लोगों के किसी भी प्रश्न या किसी भी शंका का समाधान ना किया गया हो। अगर कहीं प्रश्न को रोका गया होगा तो सिर्फ समय की मर्यादा को ध्यान में रखने के लिए, अन्यथा हमारी सभी की शंकाओं का समाधान करने की पूरी कोशिश की गई। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, आपने अनुभव किया होगा क्योंकि मैं देख रहा था कि हमारे जो साथीगण हैं निश्चित रूप से विभिन्न धाराओं से जुड़े हुए हैं, विभिन्न वर्गों से जुड़े हुए हैं, विभिन्न विभिन्न तरीकों से अपने को सुखी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बात आपने अनुभव की होगी कि जब भी हम सुख आनंद खुशी की बात करते हैं तो बात कहीं से भी शुरू हो, या किसी भी धर्म से शुरू करें, या कोई भी संस्था शुरू करती है इस बात को, तो बात कहीं से भी शुरू हो, खत्म ये आकर होती है सेल्फ पर, मैं पर, अपने ऊपर। और बिना सेल्फ पर कार्य करे हम सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। सुख के लिए हमें अधिकांश समय सेल्फ पर करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इस कार्यक्रम के दौरान आपको अपनी भूमिका के बारे में भी अधिक स्पष्टता आई होगी। हमें मैं से शुरुआत करके अस्तित्व तक अपनी समझ को बढ़ाना होगा, उसे गहरा करना होगा। यहां एक बात देखने वाली है, मैं सभी के लिए इस बात को रेखांकित करना चाहूंगा कि हम इस यात्रा को बिना सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के पूर्ण नहीं कर सकते। हमारे बहुत सारे साथी काफी उत्साह में हैं, लेकिन जब तक हम इन चीजों को अपने जीवन में नहीं उतार लेते, सबसे पहला काम तो हम अपने में उतारने का करें। हम हमेशा जल्दबाजी में दूसरों को बदलने की फौरन तैयारी कर लेते, लेकिन पहले अपने को तो उसके लिए तैयार करें। और अपने को तैयार करने के लिए मात्र सुनने से काम नहीं होगा, हमें उसे जीवन में उतारना होगा। अगर हम उभय सुख और उभय समृद्धि की दिशा में कार्य कर पाते हैं तभी हम लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। और आपने देखा होगा, मैं अक्सर कहता हूं कि जब हम सेल्फ पर कार्य करते हैं तो इनर चैटरिंग कम होती, और वास्तव में यही हर समस्या की जड़ है। और इस कार्यशाला के दौरान भी जो हमारे इनर डिस्टर्बेंसेज हैं, जो हमारे अंदर अंतर्द्वंद है, उस पर बात की गई है, उसको बड़ी गहराई से रेखांकित भी किया गया। और जब वास्तव में हम इस इनर चैटरिंग को कम कर पाते हैं तभी मान्यता और संवेदना के जो स्रोत हैं वो कम होते हैं, और सहज स्वीकृति का बोध हमें होने लगता है। मैं देख रहा था कि आप लोगों कि मैं बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे, शंकाएं उठ रही थी, मेरे अंदर भी बहुत सारे प्रश्न थे जब पहले दिन कार्यशाला शुरू हुई थी। लेकिन जैसे जैसे कार्यशाला आगे बढ़ी, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिलते चले गए। और इस कार्यशाला के बाद भी जैसे जैसे हम अपनी समझ बढ़ाते जाएंगे, हमें अपने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिलते जाएंगे। बस हमें यह भाव हमेशा रखना पड़ेगा कि हमें सारा ज्ञान नहीं आ गया है, हमें सारी बातें पता नहीं चल गई। क्योंकि जिस दिन हम में यह भाव आ जाएगा कि हमें सब पता चल गया है, उसी दिन हमारा विकास रुक जाएगा, हमारी जो आगे बढ़ने की यात्रा है उस पर विराम लग जाएगा। तो लगातार हम सीखते रहें, और इस यात्रा में राजानंद संस्थान आपके साथ है। वास्तव में इस कार्यशाला का जो मकसद था वह था कि हम सभी के अंदर एक संवाद की प्रक्रिया को शुरू करना, और आप लोगों की चर्चा से और अभी आप लोगों ने जो अनुभव शेयर करे हैं उससे यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि आप सभी के अंदर जो संवाद की प्रक्रिया है वह शुरू हो गई। लेकिन यह प्रक्रिया आज इस कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद खत्म नहीं होनी चाहिए, बल्कि आज से इस प्रक्रिया की, जैसा कि हमारे जो फैसिलिटेटर थे उन्होंने भी इस बात का को रेखांकित किया है कि आज से इस प्रक्रिया को और बढ़ाना है, उसको और तेज करना है।
इस कार्यक्रम का एक और मकसद है कि हम अपने से बड़ी व्यवस्था जिसमें हम परिवार, समाज और प्रकृति को देखते हैं, उनको शामिल करते हैं, उसमें अपनी भूमिका तय कर सके, उसके लिए कार्यक्रम तैयार कर सके। आप लोगों में से कुछ ने उस कार्यक्रम के बारे में चर्चा भी की है और यह बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बात मैं यहाँ और कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है इसके लिए हमें अलग से किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत। हम जहां भी हैं, जो भी हमारा कार्यस्थल है, हम वहां पे इस बात को छोटी छोटी छोटे छोटे अपने प्रयोगों के माध्यम से इसका प्रसार कर सकते हैं। और राज आनंद संस्थान तो एक प्लेटफॉर्म है ही, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज भी एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन इन प्लेटफॉर्म के उपयोग तो बात क्या आएगा, सबसे पहले हम उस प्लेटफॉर्म पर इसका उपयोग करें जहां जो हमारा कार्यस्थल है, जो हमारी कार्यभूमि है। जहां तक राज आनंद संस्थान का प्रश्न है, हमारा लक्ष्य जो हमारे विगत वर्ष जो हमने तैयार किया था और इस कार्यशाला के बाद और गहरा हुआ है, हमारा लक्ष्य है कि हम हर ग्राम पंचायत स्तर पर 2-3 ऐसे व्यक्ति तैयार कर सकें जो समझ के साथ जी रहे हों, जो सामंजस्य के साथ जी रहे हों, जो हार्मनी में जी रहे हों, जो व्यवस्था में जी रहे हों, जो सुखी हों। और मेरा ऐसा मानना है कि बाकी कार्य जो 3 degree ऑफ इन्फ्लुएंस रूल है, जिसकी मैं हमेशा चर्चा करता रहता हूँ, उससे अपने आप हो जाएगा। इस कार्यक्रम से मुझे व्यक्तिगत लाभ भी हुआ है, जैसा मैंने चर्चा किया है पहले, मेरी समझ बड़ी है, मेरा विजन बड़ा है और मेरी कुछ मान्यताएं भी टूटी। मुझे लगता है कि 15 मई के वेबिनार से हमारे UHV और AICT के बीच जो संवाद की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसमें और प्रगाढ़ता आई है, उसमें और गहराई आई है इस कार्यशाला के दौरान। मुझे उम्मीद है कि हम सभी मिलकर एक सुखी समाज, अखंड समाज के निर्माण में अपनी भूमिका बेहतर ढंग से निभा पाएंगे। अंत में मैं पुनः आभार व्यक्त करना चाहूँगा रजनीश जी का, कुमार संभव जी का, सोमानी जी का, आलोक जी का, दिलसाज जी का, पारिक्षित जी का, राघवेंद्र जी का, उपासना जी का, मोतीचंद जी का, जितेंद्र जी का, और उन सभी लोगों का जिनके मैं नाम नहीं ले सका या जिनके नाम मुझे मालूम नहीं है, जो कि इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, इस टीम से जुड़े हुए हैं। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, दिल से उनको नमन करता हूँ, धन्यवाद। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके संबोधन से सभी को प्रेरणा मिलेगी और सभी को प्रोत्साहन भी मिलेगा, और बहुत बहुत धन्यवाद। और इस 5 दिन की कार्यशाला के एक अंतिम छोर की ओर हम पहुंच चुके हैं, तो मैं आदरणीय प्रोफेसर SK सोमानी जी को एक्स वाइस चांसलर मेडिकेप यूनिवर्सिटी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो क्लोजिंग रिमार्क इस 5 दिन की कार्यशाला के लिए रखें। सर, सभी को नमस्ते, और मुझे बड़ी खुशी है कि भैया आप सुन पा रहे हैं ना मुझे। जी जी भैया, बिल्कुल जी, 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 जी। मुझे बड़ी खुशी है कि मध्य प्रदेश में राज आनंद संस्थान के साथ मिलके यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू की एक कार्यशाला हम लोगों ने 5 दिन की पूरी अच्छे से आयोजित की। और इन सब में जो मुझे सबसे अच्छा लगा कि जितने प्रतिभागी हैं, जितने भी लोगों ने इसको अटेंड किया है, उन सभी के विचार भी मैंने सुने। आज सवेरे का कार्यक्रम में नहीं सुन पाया था, कुछ एक पहले से मेरा अपॉइंटमेंट था जिसको मेरे को ऑनर करना जरूरी था, पर दोपहर वाली जो पूरे सारे लोगों की जो फीडबैक सुनी है, उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जो हम वाकई चाह रहे थे, जो पहली प्रयोग हमने वर्कशॉप की थी, उससे भी जो फीडबैक मिला था और आगे का कार्य करने का, पूरे मध्य प्रदेश में राज आनंद संस्थान के माध्यम से सभी लोगों के मन में पूरे मध्य प्रदेश का आनंद का लेवल बढ़ाने के लिए
और उन्हीं में ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, जैसा अभी हाल आपने अर्गल साहब को आपने सुना, कितने ध्यान से पांचों दिन, मैंने भी बराबर देखा है, वो पूरे टाइम उन्होंने भी अटेंड किया है, इंद्रपाल जी ने भी अटेंड किया है, इंद्रपाल जी पिछली बार भी कर पाए थे पूरा, तो सवेरे से शाम तक जब ये पूरी चर्चा होती है तो उसको हटने का मन भी नहीं करता है, नहीं तो कई प्रयोगशालाएं में भी, मतलब एक टीचर के रूप में सबसे पहले शामिल होते होते और वाइस चांसलर तक पहुंचा था, तो मैं सब मन स्थिति समझता हूं कि किसी भी प्रयोगशाला में बांध के रखना बड़ा मुश्किल होता है, परंतु इस प्रयोगशाला में चूंकि अपने स्वयं के लिए ही सारी चीजें होती है, स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, प्रकृति के लिए, और मैं तो कई वर्कशॉप अटेंड कर चुका हूं और रोज सुबह 5:30 बजे भी हम लोग, राजुल भैया भी यहाँ पे हैं, और हम लोग जो है सुबह 5:30 से 7:30 जो है वो कंटिन्यूस इसी विषय पे हम चर्चा करते भी हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि हम मध्य प्रदेश में इसका एक बार कई लोगों के साथ ये वर्कशॉप कर चुके हैं, तो अब हम लोगों में से ही, मध्य प्रदेश के लोगों में से ही कुछ रिसोर्स पर्सन हमको अपने आप में तैयार भी करना है, और उसके लिए जैसा अखिलेश जी ने बोला, बहुत क्लियर बोला, कि जब तक ये चीज स्वयं में अपने जीने में नहीं उतार पाएंगे, जितने अच्छे से जितने यहाँ के फैसिलिटेटर्स हैं, चाहे वो कुमार भैया से आपने सुना हो, दिलशाद भैया से, राघवेंद जी से, आलोक जी से, सारे जितने जितने लोगों से आपने सुना, आपने बिल्कुल पाया होगा जो मैंने डे वन पे भी बोला था, कि इतने सहज रूप से और इतने विषय वस्तु की गहराई के साथ जिस ढंग से हम लोगों को ये वर्कशॉप पूरी करते हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है, और वही चीज यदि जीवन में हम अपने में उतार लेते हैं तो हम पूरे मध्य प्रदेश में इस चीज को फैला सकेंगे, और ये दिन दूर नहीं रहेगा जब हम ये गर्व से कहेंगे कि मध्य प्रदेश जो है हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ज्यादा आगे है, और वो सिर्फ हमारे ऊपर, स्वयं के ऊपर कार्य करने पे ही निर्भर करता है। तो मेरी सिर्फ एक ही आशा है, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का वासी हूँ, इसलिए मुझे हमेशा से लगता रहा है कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के जो गूढ़ चीजें हैं, और हम लोग उसको इतने शांति से, सहज भाव से समझ पाए हैं, और उसी को हम यदि सब लोगों के बीच में, अपने आसपास के सब लोगों को, जितने हमसे परिचित हैं, हमने कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में तो AICT के माध्यम से हम पहुंच ही पाए हैं, बच्चों के बीच में भी ये काम पूरा चल रहा है, परंतु यदि ये जन जन के साथ में इसका फैलाव होगा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, और मैं तो इसके लिए बिल्कुल कटिबद्ध हूँ, और मैं अखिलेश जी और इंद्रपाल जी के साथ बात करके, और हम आगे के पूरे प्लान को ऐसा करेंगे जिससे कि हम पूरे देश में, राज्य में, विलेज में, और सब दूर, हम जहां तक हमारी पहुंच हो सकती है हम वहां पहुंचे। आप सभी का मेरी ओर से धन्यवाद, पूरे परिवार की ओर से धन्यवाद, और मैं यही चाहूंगा कि इसको हम जीवन में साथ में लाएं, और आगे ऐसा बने कि हम खुद फैसिलिटेटर बनके और इसको सब दूर पहुंचा पाएं। धन्यवाद भैया जी। धन्यवाद, धन्यवाद सर, आपके मार्गदर्शन का बहुत बहुत धन्यवाद, और समय हो चला है इस कार्यशाला के अंतिम छोर तक का, तो इस कार्यशाला में मौजूद सभी राज्य आनंद संस्थान के अधिकारी गण, सार्वभौमिक मानव मूल्यों के अधिकारी गण, रिसोर्स पर्सन, सभी फैकल्टी वॉलंटियर्स, आनंदक और सभी प्रतिभागियों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा।
इस समझ की यात्रा में हम एक दूसरे के सहयोगी बन के अपने में गति लाने की प्रक्रिया में हैं, अपने की अपनों में जांचने की प्रक्रिया में हम बने रहें। इसी उद्देश्य के साथ मैं इस वर्कशॉप के लिए सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा और ऑफिशियली इसको क्लोज करने की परमिशन चाहूंगा। इसकी परमिशन है अखिलेश सर, कुछ बात रखना चाह रहे हैं? जी, धन्यवाद भैया, बस मैं तो अच्छा। सभी का धन्यवाद पुनः एक बार करना चाहता हूँ। जी, धन्यवाद सभी को। जी धन्यवाद, और सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते, धन्यवाद, सभी को नमस्ते और शुभकामनाएं सभी को। सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते, सभी को नमस्कार।